महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब की सदा ही जय। प्यारे की जय। भाव के भले की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदना मैं कर रही श्री राज की। Thank you.
सुंदर श्याम जी पांच बार योजना महामंत्र का जाप करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो क्षीण, लाख तली लाल
सप्रेम प्रणाम सुंदर साहब जी, परमादरणीय प्राप्त स्मरणीय ब्रह्मलीन एक स्वाम श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरणारविंद में अखंड दंडक प्रेम प्रणाम के साथ उपस्थित पुजारी जन, ट्रस्टी जन, अध्यक्ष जन, मुंबई से पधारे हुए पिताश्री एवं माताश्री, आप सब माताएं बहनें भाई सुंदर सांत जी एवं जो ऑनलाइन माध्यमों से इस वेतक चर्चा रसपान का स्वाद ले रहे हैं, ऐसे आप समस्त सुंदर सांत जी को हृदय से रचिता सखी का कोटां कोटि प्रेम प्रणाम। आठवां प्रहर सुंदर सांत जी, गत एक महीने से हम इस वेतक चर्चा का रसपान महामती स्वामी श्री लाला श्री महाराज जी के मुखारविंद से कर रहे हैं एवं जैसा हम आपको अवगत है कि धाम धनी के आशीर्वाद से महामती श्री लाला श्री महाराज जी इस वेतक साहिब की रचना करते हैं एवं उसके अंदर सर्वप्रथम बसरी मलकी हक्की तीनों स्वरूपों की वितक का वर्णन जो आपने प्रारंभ किया वहां से लेकर के क्रमशः इस वितक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो छह दिन कुरान में वाक्य भये जब चार पांच छठा दिन, तो ये छठे दिन की जो वितक को हम आप श्रवण कर रहे हैं, इस छठे दिन के अंदर की विशेषता है कि मोमिनों का समूह होता है, जमघट होता है श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में। और इस आठवें प्रहर की बात करें साथ जी, तो यह आठवां प्रहर जो ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाए, प्रातः तीन से लेकर के छह बजे तक का जो समय है, इस समय के अंदर श्री छत्रसाल महाराज श्री साकुंडल सखी के गृह मंदिर के अंदर जिस प्रकार की सेवा मोमिन कर रहे हैं, स्वयं श्री छत्रसाल जी महाराज कर रहे हैं, अब इसका विवरण श्री लाला जी महाराज हमारे आगे करते हैं। सुंदर साल जी, श्री राज पौड़े पलंग पर सातवें प्रहर के अंदर ही हमने देखा कि धाम धनी श्री प्राणा जी सुखशैया के ऊपर में विराजमान हुए पौड़ते हैं और इस समय में अब यहाँ क्या किस प्रकार की सेवा हो रही है, तो श्री लाला जी महाराज फरमाते हैं, वाणी धाम धनी की गर्जत सब ऊपर। धाम धनी जी की जो वाणी है वो इस समय इस बंगला जी दरबार के अंदर सभी के ऊपर में गर्जना कर रही है। इस वाणी की गर्जना के द्वारा ही धाम धनी जी श्री राज का चित्त जो है वो संकुल रहता है, प्रसन्न रहता है। बारी वाले गांव तो फिरती चौकी पर, इस समय जो 14 अलग अलग बारी वाले कहे गए हैं उनमें से जो रात्रि कालीन बारी वाले हैं वे अपने समय के अंदर आकर के यहाँ वाणी गायन विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र के साथ में करते हैं। बानी धाम धनिया की करे 14 तब कहियात, पहचान भई न काहू को रूह पिए हयाती हो जात। सुंदर साल जी, इस आठवें प्रहर के अंदर की विशेष ये बात है कि धाम धनी जी की जो वाणी का महत्व यहाँ पर हमारे आगे बताया गया है। धाम धनी जी की ये वाणी 14 लोक को हयात करने वाली है, अखंड करने वाली वाणी है। लेकिन जब आप इसकी पहचान श्रद्धा और विश्वास के साथ में कर सकते हैं, तो इस वाणी के अंदर ये ताकत है कि जो रूह इस वाणी रस का पान कर ले वह तो हयात हो जाती है, वह तो अखंड बन जाती है। आज लो इंद में कबहू काहू सुनी न कान। सुंदर साहब जी, हम आपके अहोभाग्य हैं ये कि आज तक जिस वाणी को इस ब्रह्मांड के अंदर कभी भी न तो कहा गया और न ही सुना गया, ऐसी वाणी को सुनने के लिए हम आप सभी जो विराजमान हैं, हमें धाम धनी जी ने सुपात्र बनाया है, अहोभाग्यवान बनाया है।
इसीलिए हमारे भाग्य धन्यवाद के पात्र हैं जो कि हम यहाँ पर बैठ करके धाम धनी जी की इस वाणी को श्रवण कर पाते हैं। इस सुनने की ताकत त्रिगुण को ना हो, इसीलिए सुंदर साथ को यह भाव समझना है कि इस वाणी को समझने के लिए तो स्वयं जो यहाँ सृष्टि 14 लोक के निर्माता कहलाते हैं, त्रिदेव कहलाते हैं, मलकुत की कुर्सी के ऊपर जो विराजमान हैं, उनके पास भी ये ताकत नहीं कि वे इस वाणी का एक हरफ भी श्रवण कर सकें। और सुंदर साथ जी, हम आप यहाँ पर बैठ करके इसी वाणी के घुटानुघुट संजम संजम करके इस रस का पान रात दिन कर रहे हैं। सो रस सागर रेलत कोई न धरत कान, एक संयोग की रूह पीवत और कामो न पहचान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस वाणी रस का जो सागर है, इस सागर की विभिन्न लहरें ऊपर उठती हैं। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी इस रस के सागर को संयोग के कान में डाल रहे हैं। रेलत यानी जिस प्रकार से घड़े से अमृत को डाला जाता है, इसी प्रकार से इस वाणी के अमीरस को हमारे कानों में डाल रहे, हमारी आत्मा को इस रस का पान धाम धनी जी करा रहे हैं। लेकिन इस रस को पीने वाले कौन हैं? जैसे कहा कि केसरी दूध न रहे रज मात्र, उत्तम कनक बिना जेव पात्र। इसी प्रकार से यहाँ पर समझिए तो अमृत में इस वाणी का रस संयम की रूह पी सकती है। इन संयनों के अलावा किसी के अंदर ये शक्ति नहीं कि इस वाणी रस को वे रसपान कर पाए। ऐसी हमारे धाम धनी जी की वाणी है। कैसी जिक्र होता है किन ठौर पहुंचत, क्या नफा होता है ए पहुंचावे कित। आज एक महीना हो रहा है कि हम आप सभी बैठ करके अथवा ऑनलाइन माध्यमों से ही सही इस वाणी रस का पान कर रहे हैं। लेकिन साथ जी, आज का दिन ये सोचने का है कि इस वाणी रस का जितना पान हमने किया, इसके द्वारा हमने क्या लाभ उठाया है। हमारी रूह यदि इस रसपान को नहीं करती, इस लज्जत को नहीं लेती, तो हमारा क्या नुकसान हो जाता। इस रसपान करने से हमें क्या फायदा मिला है, ये वाणी हमें कहाँ तक पहुँचाएगी। ये सारे मुद्दों के ऊपर में अब आगे की चौपाइयों के अंदर श्री लालदास जी महाराज प्रकाश डाल रहे हैं। ए हम मेहर किन करी ए हुई किन ऊपर। सुंदर साहब जी, क्या हम मेहर के पात्र हैं? हैं? सभी श्री राजे की मेहर कहाँ हो सकती है? श्री राजे महाराज जी की कृपा तो सर्वव्यापी है, लेकिन दिल दिमाग रूपी कमाड़ को, खिड़कियों को न खोलें तो वो मेहर का प्रकाश है, मेहर का प्रताप है, वो हमारे अंतस्करण में प्रवेश कैसे हो सकता है। कृपा पात्र तो सब ही है, लेकिन विशेष कृपा सयनों के ऊपर में है, ब्रह्म आत्माओं के ऊपर में है, क्योंकि धाम धनी जी की जाहिरी और बातुनी कृपा है। ये बातुनी कृपा को प्राप्त करने वाली जो धाम की सैया है, उनके ऊपर धाम धनी जी ये बरकत देते हैं, ये क्षमता देते हैं कि वे यहाँ बैठ करके इस वाणी रस का पान कर पाते हैं और अपनी रूह को प्रसन्नचित कर पाते हैं। जो पावे ए पटन तरह ताकि पलक न वृथा जाए। यदि हमने आज दिन तक सोच विचार करके इस पटंतर को पा लिया, अर्थात कि हमारे धाम धनी जी की वाणी और अन्य वाणी के अंदर में क्या अंतर है, इस पटंतर को जिस रूह ने पा लिया, उस रूह की एक पलक भी क्या व्यर्थ जाएगी? क्या वह खाली बैठी रहेगी धाम धनी जी की इस वाणी के बिना? वो कदापि बैठ नहीं सकती, क्योंकि उसका जीवन, उसका प्रत्येक जो श्वास है, वो राज नाम के अंदर उसने घोल दिया और इसी राज नाम को, इसी श्री राज की वाणी को वो रसपान करना चाहती है। इन वाणी से होते हैं नजर पड़े बीच पक्का,
ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री श्यामा महारानी की जय श्री छत्रसाल महाराज की जय। प्यारे सुंदर सांझ जी जिस वाणी रस का हम पान कर रहे हैं ना इस रस को पिलाने वाले कौन हैं? जैसे हम आम तौर पे कोई भी नया फ्लेवर टेस्ट कराते हैं तो हम जानना चाहेंगे कि नहीं इसका नाम क्या है ताकि दोबारा भी इसी को मंगाया जा सके। इसी प्रकार से ये वाणी रस है और इस वाणी रस को पिलाने वाले कौन हैं? ये रसना श्यामा जी की श्री श्यामा जी महारानी जो अल्हादिनी शक्ति है श्री राजे महाराज की आनंद घन है श्री श्यामा जी महारानी। जब भी आप इस वाणी को पढ़िए इसका अध्ययन मनन कीजिए चिंतन कीजिए तो आत्म के अंदर श्री श्यामा जी महारानी का आनंद ही आनंद प्रकट होता है। इसीलिए ये वाणी कैसी है आनंददायी है। सनंद एवं परिक्रमा ग्रंथ को तो नाम भी यही दिया गया दुल्हिन किताब। इस प्रकार से देखिए तो यहाँ पर वाणी के अंदर में सुंदर साजी श्री राजे महाराज का जो रसपान है वो कराने वाले श्री श्यामा जी हैं। तो धामधनी जी की ब्रह्म लीला ब्रह्म सिंगार इन सब का वर्णन इस वाणी के माध्यम से होता है। जो अक्षर को सुध नहीं सो त्रिगुण पास क्यों होए सो सब इन वाणी से सुपने नजर पहुंची सोए। हम आप अपने अहोभाग्य की कहां तक सराहना करें सुंदर साजी। अक्षर ब्रह्म जो उसी परमधाम 25 वक्ष के परिसर में रहते हैं ना हमारे पड़ोसी हैं ना। लेकिन ये अक्षर ब्रह्म ये भी जब श्री राजे महाराज जी के दर्शनार्थ जाते हैं तब केवल बाहर से चांदनी चौक के ऊपर से ही श्री राजे महाराज के दर्शन प्राप्त करके ये अक्षर ब्रह्म को वापस लौटना पड़ता है। अंदर हो रही जो अंतरंग लीला है इस लीला के विषय में वे कुछ जानने के लिए अधिकारी पात्र नहीं है। चांदनी चौक से अंदर 100 सीढ़ी 20 चांदे में से एक सीढ़ी के ऊपर भी वो पग नहीं रख पाते हैं बाहर बाहर से लौट जाते हैं। वहीं पर हम आप सुंदर साजी धामधनी जी की अपार कृपा के माध्यम से परम धाम के अंदर हो रही अंतरंग लीला को इस प्रकार से जानते हैं समझते हैं इसका चिंतन मनन करते हैं तो रात दिन यहाँ के जो जीव सृष्टि भी हो तो तातम की बरकत से ब्रह्म आत्माओं की शक्ति के द्वारा इन जीव आत्माओं के अंदर की जो नजर है वो अखंड परम धाम में पहुंची है और जो अक्षर ब्रह्म है वे तो अंदर प्रवेश भी आज दिन तक पा नहीं सके। Who is lucky? Who is blessed? हमारे अहोभाग्य की जहां तक सराहना करें सुंदर साजी हम कभी पहचान ही नहीं कर पाते कि धाम धनी जी ने क्या बख्शीश दी है हमारे ऊपर में। इन जुबा के स्वर सुनते सब ठोर आवे नजर रूह आत्म पहुंचत ताए हो जात फजर बोले श्री प्राणनाथ प्यारे सुंदर साहब जी जब आप इस वाणी को पढ़ते हैं सब ठोर आवे नजर क्योंकि ब्रज हो रास लीला हो जागने की लीला हो या तो फिर श्री परमधाम के 25 पक्ष की लीला हो सारे ठोर इसी वाणी के द्वारा हमारी दृष्टि के सामने आ खड़े हो जाते हैं क्योंकि वाणी के अंदर ब्रज रास का जागने का परमधाम का सारे लीलाओं का वर्णन है। इसीलिए जो भी मजल को आप पढ़ते हैं जिस टॉपिक के द्वारा आप पढ़ते हैं वो ठोर आपकी दृष्टि के सामने खड़ा हो जाता है। श्री लाला श्री महाराज कहते हैं रूह आत्म पहुंचत हमारी रूह पहुंचती है या आत्मा पहुंचती है रूह पहुंचती है या आत्मा रूह आत्मा नहीं पहुंचती इसे चाहे रूह कहिए
स्वामी श्री लाला श्री महाराज की बीतक के अंदर ये सबसे सुंदर बात है कि रूह और आत्मा का विवेचन बराबर बराबर किया गया है, इनमें कोई अंतर नहीं है। चाहे रूह कहिए या फिर आत्म कहिए, अरबी फारसी शब्दों के अंदर कहिए या तो हिंदी के अंदर कहिए, लेकिन मर्म उसका यही है कि हमारी रूह उसी टौर में पहुंच जाती है और उसी रूह आत्मा की फजर हो जाती है, उजाला हो जाता है। जिस उजाले के माध्यम से हम उस ठोर के अंदर चल रही प्रत्येक लीला का दर्शन कर पाते हैं। इन बाणी के सुनते खुलत भिस्त के द्वार, आप देखे और देखा वही पहुंचे नूर द्वार पर, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम सभी वाणी को प्रेम करते हैं, सभी कोई तो नहीं करते होंगे, इसलिए जयकारा अच्छे से नहीं करना है, सभी करते हैं ना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। सुंदर सांझ जी इस वाणी के द्वारा खुलत भिस्त के द्वार है, जो आठ प्रकार के मुक्ति स्थान बहिष्ट कहे गए हैं, इन बहिष्ट के द्वार को खोलने की कुंजी चाहिए, चाबी चाहिए। बहिष्ट तो खैर पहले से अक्षर ब्रह्म के अंतकरण में बनी हुई है, लेकिन उन भिस्त के अंदर पहुंचने के लिए चाबी चाहिए, और वो जो चाबी है वो इस वाणी को चाबी कहा गया, कुंजी कहा गया, सनातन कुंजी, बेशकिलम नुक्ताइलम, ये सब इसी वाणी के नाम है। सुंदर सांझ जी जो इस वाणी को श्रवण करते हैं उनके लिए वो जो बेहद के अंदर आई हुई बहिष्ते हैं, मुक्ति स्थान है, इन सब का द्वार खुल जाता है। इनमें से हमारे अंदर की जो श्रद्धा है, जिस लीला को हम प्रवेश होना चाहते हैं, उसी लीला के अंदर हम इस वाणी के द्वारा प्रवेश हो सकते हैं। न केवल हम स्वयं ही उस लीला का दर्शन कर पाते हैं, बल्कि हमने जो दर्शन किया वो इस वाणी के माध्यम से औरों को भी हम दर्शन करा पाते हैं। इन वाणी की बरकते कछु न रहवे शक, रूहे राजी रहे हमेशा, जाए बैठे कदमों हक, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। इस वाणी के द्वारा सुंदर सांझ जी जिनको श्री राज के कदमों के तले बैठना है, धाम धनी के श्री चरणों का आश्रय जिनको लेना है, तो यही वाणी आपको हमेशा राजी रखती है, प्रसन्नचित रखती है, संसार माया की दुविधाओं से हमारे मन को परे रखती है, और इसी के कारण धाम धनी जी के श्री चरण हमेशा हमारे चित्त के अंदर लगे हुए हैं। मानो कि हमारा चित्त चरणों में लगा है या चरण चित्त में जाकर लगे हैं, इस प्रकार से हम धाम धनी के श्री चरण कमल के साथ में जुड़ जाते हैं। इन वाणी की बरकते भया जागृत सुपन, इसी वाणी की शक्ति के द्वारा जो भी यहाँ स्वप्न ब्रह्मांड है, ये स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर हम जागृत हुए। साथ जी विचार कर देखिए, जब आप स्वप्न में होते हैं उस समय यदि आपको जागृत की याद आ जाए तो क्या वो स्वप्न टिक पाएगा? वो स्वप्न कदापि टिक नहीं सकेगा। तो फिर यहां ऐसा कैसे हो पाया कि स्वप्न के बीच में हम हैं लेकिन जागृत भूमिका की सारी खबर हमारे पास है, ऐसा कैसे हुआ, ये संभव कैसे हुआ? ए अनहोनी हक्के करी, धाम धनी जी ने इस अनहोनी को भी होनी में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि होनी और अनहोनी ये हमारे लिए है। धाम धनी जी के लिए क्या होनी और क्या अनहोनी, ये स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर भी जागृत की संपूर्ण पहचान हमको धाम धनी जी ने करवा दी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बैठे हुए ही जो धाम की सैया है वो परम धाम के 25 पक्ष को याद करती है। इन वाणी की रोशनी मारे न जिनिया स्मान, सुन छोड़ बका प
पहुंचे सो मोमिन सुने कान। इस वाणी के अंदर की रोशनाई नीचे पताल से लेकर के ऊपर तक वैकुंठ तक तो क्या नारायणी सृष्टि का जितना विस्तार है वहां तक भी पर्याप्त नहीं रहती। इस शून्य मंडल को फोड़ करके इस वाणी का जो प्रकाश है वो आगे पहुंचता है, बेहद में प्रवेश होता है और इस बेहद से परे नूर द्वार के भी परे जा करके ये वाणी हमको अक्षरातीत परमदाप के सामने खड़ी कर देती है। तो इस प्रकार से सुंदर सा जी हो जो जोय बाग जानवर सोई न वाणी बीच है सब सातो घाट जो पुल है सो सैया देखें अब। इसी वाणी के माध्यम से हम हौज कोसर तालाब का दर्शन करते हैं, सातों घाटों का दर्शन करते हैं, श्री रंग महल ये सब तो क्या संपूर्ण जो 25 पक्ष परम धाम कहे गए हैं इन सभी का हम दर्शन प्राप्त करते हैं। हक हादी रोए रहत है सोई न वाणी में। श्री राज श्यामा जी और सखियां ये कहां रहती है? इसी वाणी के अंदर रहती है। एक बार एक बुद्धिजीवी ने प्रश्न किया कि अकल बड़ी होती है या भैंस, अकल बड़ी है या भैंस बड़ी है? उस अकल के अंदर वो पूरी बड़ी भैंस हो तो भी समाहित हो रही है, इसीलिए अकल सूक्ष्म है वही बड़ी है। इसी प्रकार से परमधाम 25 पक्ष जिस हृदय में आ जाए तो वह हृदय इतना विशाल है कि उसे ही अर्श दिल कहा हुआ है। सुंदर सार जी इसी वाणी के अंदर श्री राजी श्यामा जी और सखियों की समग्र लीला का वर्णन है, इसीलिए धाम धनी जी की ये वाणी सर्वोपरि कही गई है। औलिया लीला कामिल दोस्त कहे खुदाए सोई न वाणी बीच में रहे हमेशा इब्तदाए। औलिया लीला ब्रह्म आत्माओं को कहा, ईश्वरी सृष्टि को कहा जो श्री राजी महाराज के दोस्त कहे गए हैं। इन सभी औलिया लीला का वर्णन भी इसी वाणी के अंतर्गत में किया गया है। इन वाणी की बरकते सब दफे होत बलाए सदा सैतान का पत मीने पैच न सकेताए। बोले श्री प्राण नाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। ये सार गर्भित चौपाई है, समझे तो पूर्ण वितक का सार इसी में आ गया। इस वाणी की बरकत यानी शक्ति के द्वारा जितनी भी बलाएं आती हैं, विघ्न बाधा आपत्ति विपत्ति ये सारे डिस्टर्बेंसेस जो हमारे जीवन के अंदर में आते हैं ये इसी वाणी के द्वारा दफे हो जाते हैं, निर्मूल हो जाते हैं। क्यों? वाणी की शक्ति बड़ी है या उन विघ्न बाधाओं की शक्ति बड़ी है? जब हमने वाणी को आत्मसात किया, इस वाणी की जोश शक्ति के द्वारा जीवन का जब हम सामना करते हैं तो प्यारे सुंदर साथ जी इसी वाणी की शक्ति के द्वारा ही ये सारी विघ्न बाधाएं दफे हो जाती हैं। और इस प्रकार से जो मनरूपी शैतान है वो सदा ही कांपता रहता है कि ये जो रूह है उसने वाणी को ग्रहण कर लिया है, अब इस रूह को माया के अंदर खींच पाना ये उस मनरूपी शैतान के लिए भी सहज नहीं होता। तब ये मनरूपी शैतान भी दास रूप बन जाता है। मन तो कहता भी है जाको मोहे पहचान ही ताको हूं मैं दास अपने कंधे चढ़ाए के पहुंचाऊं पीऊं पास। कि जिसने मेरी पहचान कर ली उसे तो मैं अपने कंधे के ऊपर चढ़ा करके पीयू के पास में पहुंचा दूंगा। इसलिए मनरूपी जो शैतान है वो सदा ही कांपता रहता है और जिनके पास में ये वाणी का रक्षा कवच होता है उसके अंदर वो मन वो शैतान किसी प्रकार के हलचल को उत्पन्न कर नहीं सकता है। एहा जिकर सुभान सो एहा जिकर जुबान सो करत है सब मोमिन। श्री राज पौड़े सुनत है नींद न आवे नैनन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सुंदर साहब जी, शास्त्रों के माध्यम से देखिए तो एक लक्ष्मण जी को गुड़ाकेश कहा गया है। राम लक्ष्मण में से लक्ष्मण जी को गुड़ाकेश कहा गया। ऐसे ही अर्जुन को भी यह उपाधि दी गई है। इनको निद्रा वश नहीं कर सकती, इन्होंने निद्रा को वश किया हुआ है। धाम धनी अक्षराती श्री राजी श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर निद्रा के अधीन नहीं है। सेजिया के ऊपर विश्राम करते हैं, पौड़ते हैं, लेकिन मन स्थिति क्या हो रही है कि यहाँ पर जो वाणी के विषय में मोमिन समझा रहे हैं, परमधाम के वृत्त का वर्णन कर रहे हैं, इन प्रत्येक शब्द को श्री राज अच्छी प्रकार से सुनते हैं, क्योंकि धाम धनी जी इस तरह विश्राम करते हैं। कैसे? कछु आंख मिली के ना मिली, फेर सुनत है कान, कोई आगे पीछे हरफ कहे, कहे मोमिनों को सुबान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुछ आंख मिली या ना मिली, इस प्रकार से निद्राग्रस्त नहीं होते। केवल आंखों की पलक को बंद भी रखा है, लेकिन अच्छी तरह से कानों के माध्यम से एक एक शब्द को धाम धनी श्रवण करते हैं। यदि किसी मोमिन ने चर्चा की अर्चा करते समय एक हर्फ आगे या पीछे कह दिया हो, जो कि वर्णन में नहीं आया या गलत हो गया, कहे मोमिनों को सुभान, सुभान अक्षरातीत श्री राजी महाराज तुरंत उस मोमिन को कहते हैं कि आपने इस शब्द को आगे पीछे कह दिया। ए आगे पीछे क्यों कहिया, क्यों गए हरफ तुम भूल, चुप रहे अर्ज करे कहे हमें न आया सूल। जब धाम धनी जी उस मोमिन की भूल को तुरंत पकड़ लेते हैं, तो वह मोमिन भी क्षमा याचना करते हैं कि हे धाम धनी, मुझे नहीं आया, इसका प्रकार मैं समझ न पाया, क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से धाम धनी जी अच्छी तरह से कान दे करके यह चर्चा की अर्चा को सुनते हैं। यों करते न भाग से बाकी रात रही घड़ी चार, आया समय वीरत का गिरोह उठने का करे विचार। चर्चा की अर्चा तो की जा रही थी, इस समय अब केवल चार घड़ी बाकी रही है दिन को पलटने में। आठवें प्रहर की चार घड़ी व्यतीत हुई, समय हो रहा है प्रातः काल के। समय कितना हुआ? 9 बजे। वितक प्रसंग के अंदर 4:30, क्योंकि चार घड़ी व्यतीत हुई, चार घड़ी शेष है, 4:30 बजे का जो समय है, इस समय में परमधाम की जो वीरत है, अर्थात की जो परमधाम के 25 पक्ष का वर्णन है, ये वीरत करने का समय आता है। तो सैया अब ये विचार करते हैं कि अब हम परमधाम के 25 पक्षों में भ्रमण करेंगे। स्वरूप मुरलीधर कहे कि करे साथ को प्रणाम, साथ सब कोई उठे अपने देह क्रिया के काम। तो मुरलीधर भाई जो चर्चा की अर्चा करते हुए सुना रहे थे, इन्होंने सभी साथ को प्रणाम किया, स्वरूप का वर्णन करके अब वे यहाँ से उठते हैं। कोई निंद करत है कोई सुनने चाहे विरत, उठे लाल दास कहने को होए बैठे जागृत। श्री लालदास जी महाराज श्री परमधाम की वीरत का वर्णन करते हैं। यहाँ पर बैठे हुए कई सुंदर साथ जो थे, उन्होंने निर्णय किया कि हम सो जाएंगे। तो किसी ने निर्णय किया कि नहीं, इस जीवन के अंदर में क्यों सोना है, जब वाणी मिली है तो वाणी का लाभ लेते हैं। 25 पक्ष को जब हमने जाना है तो इन्हीं 25 पक्ष के अंदर हम विहार करते हैं। ऐसा सोच समझ करके ये मोमिन पुनः वीरत सुनने के लिए बैठ गए। श्री लाला श्री महाराज वीरत को सुनाते हैं। पहले मंगल आरती के समय में साथ निष्ठा बंद आवे इत, आरती सब मिल करके फिर बैठ के सुने वीरत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। मंगल आरती का समय होता है, तो सर्वप्रथम इस समय में मंगल आरती होती है। कई
बड़े सुंदर सात निष्ठाबंध नियम से यहाँ पर मंगलारती करने के लिए उपस्थित होते हैं एवं तत्पश्चात श्री परम भाव की विरत को यहाँ पर श्रवण भी करते हैं। इत पहले हंसे के घर में वीरत का उठा अंकुर जयंती गिरोह मिलाय की करते थी मजकूर। सबसे पहले इस परमदाम की वीरत का अंकुर जो उठा वो हंसे भाई के घर के सामने उठता है और तत्पश्चात जयंती दास काका भी गिरोह को यानी सैनों के ग्रुप को मिला करके इस वृत्त का वर्णन करने लगे। इहां सेती ले लाल ने ए मेहर हक सुभान। उनके पश्चात अब श्री लाला श्री महाराज श्री राजी की कृपा के द्वारा इस वीरत का वर्णन करने लगे। वृंदावन के घर में कोई दिन कही वीरत 11 वर्ष और 52 दिन की इस लीला इस सेवा के दरमियान कई अलग अलग प्रकार से वीरत का गान मोमिनों ने किया। जगह भी बदली गई इसलिए अब वृंदावन भाई के घर में ये वीरत को पढ़ा जा रहा है। अग्यार ही जोल रहे दिल बड़ो चाह दरे फिर ठंडे पड़ते गए कहे लाल अंग ठरे कहे लाल अंग ठरे बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सुंदर सांझ जी अग्यार ही यानी 11वीं सदी को कहा। हिसाब किताब के द्वारा देखिए तो विक्रम संवत 1748 के साल में आ जाइए तो 11 सदी पूर्ण होती है। मोहम्मद जब से धाम गए हिजर सन की स्थापना हुई वहां से 11 सदी का समापन हुआ इसी समय में वाणी अवतरण भी पूर्ण होता है और इस 11वीं सदी के बाद श्री लाला श्री महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार का उत्साह पहले हुआ करता था उसके मुताबिक उसकी कंपैरिजन में अंग ठरे अब अंग अंग के अंदर एक शांति एक सुकून एक करार आ जाता है इसीलिए पहले की भांति का उत्साह इस समय में देखा नहीं गया। फिर ठंडे पड़ते गए उसके बाद सभी के दिल जो है वो शांत ठंडे पड़ने लगे। धाम धनी जी ने भी 2 या 3 वर्ष से पहले से ही कह दिया कि अब हम धाम चलत हैं तुम हो जो होशियार। इस प्रकार से यहाँ पर अब आगे कहते हैं बहुत खुशाल होत हैं सुन धाम वीरत प्रात। धाम धनी जी जब इस 25 पक्ष के वीरत को वृत्तांत को श्रवण करते हैं तो बेहद ही खुशाल हो जाते हैं। वो जो बैठे से ज्या पर कानो सुने विख्यात एवं अपनी सुख शैया के ऊपर में विराजमान होकर के बैठे बैठे श्री परम धाम के 25 पक्ष का वर्णन श्रवण करते हैं। पीवत कहवा मंगाए के अब कावा पीने का समय हुआ तो इसे भी पान करते हैं। आवे माव जी इन समय निष्ठा लेकर दिल माव जी भाई की जो सेवा है ये निष्ठा बंद करते हैं। ये क्या सेवा है किनके प्रति सेवा कर रहे हैं अंग दबाने की सेवा लेकिन किनका अंग दबा रहे हैं। वीरत कहने वाले भीग बैठत अंग दाबे हिल मिला इनकी सेवा है कि जो वीरत को यहाँ वर्णन करते हैं उनके साथ हिलमिल होकर के उनके अंग को दबाने की सेवा करते हैं उनको आराम देने के लिए ये सेवा कार्य करते हैं। धाम के इर्द ले अके फिर अंदर बैठे इत चारों चौक उलंग के पहुंचे 5वें चौक जित बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो यहाँ जब परम धाम का वर्णन होने लगा प्यारे सुंदर सांझ जी श्री जमुना जी से 2 मार्ग का रास्ता 2 मंदिर का चौड़ा जो मार्ग है उसे पकड़ करके अमृत वन को देखते देखते हम आगे बढ़ते हैं। चांदनी चौक की जो मूल मेहराब कही गई उस मेहराब से अंदर प्रवेश हुए। चांदनी चौक का विस्तार देखने के बाद अब आगे जब सौसीड़ी बीस चांदे चढ़ जाते हैं चौक में आए धाम दरवाजे को निहारा धाम दरवाजे के अंदर में प्रवेश हुए तब हमने
सबसे पहले जो सामने देखा 6000 मंदिर दोहार, 6000 स्तंभ दोहार, 28 स्तंभ के चौक को पार करके हम जब आगे बढ़े तो वहां पर सर्वप्रथम जो हवेली आती है ये रसोई का चौक कहा गया। इस रसोई हवेली के साथ ही साथ और भी 3 हार चौरस हवेलियों की आती है, कुल 4 हार हुई। इसके बाद की जो एक हवेली आई वो गोलाकार हवेली है और इस गोलाकार हवेली को कहा गया 5वां चौक मूल मिलावा। इस मूल मिलावे के अंदर में प्यारे सुंदर साहब जी यहाँ पर तो बैठक जमी हुई है, श्री राज श्यामा जी एवं रूहों की ये सुंदर बैठक का वर्णन होता है। कहे 64 थंब फिरते चंद्रमा और दुलीचे, सिंहासन के ऊपर जुगल किशोर बैठे, बोले शिवरानाथ प्यारे की जय। करो मूल मिलावे का ध्यान, सुरता को मूल मिलावा में लगाया। मूल मिलावा में बैठे हुए श्री जुगल स्वरूप को हमने निहारा है और इस प्रकार श्री जुगल स्वरूप के चरण कमल में हम अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हैं। अपनी सुरता के द्वारा हमने अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, हृदय को, आत्म को श्री जुगल स्वरूप के चरणों में अर्पण कर दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साहब जी धाम की वृत्त का वर्णन जब यहाँ किया जाता है, फिर चौक गिर्द के गिर्द छज्जे मन मोहलात, अब एक के ऊपर एक भोम चढ़ रहे हैं, दूसरी तीसरी चौथी हरेक भोम की विशेष बात को देख करके ऊपर चांदनी तक चले जाते हैं और यहाँ चांदनी में जाकर के पुनः नीचे उतरते हैं, तो एक परिक्रमा लगाते हुए दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी का दर्शन किया, पश्चिम दिशा में आइए तो फुलनर बाग का दर्शन किया, एवं वहां से आइए उत्तर दिशा की ओर तो लाल चबूतरा, ताड़वन खड़ो गली, इन सभी को निहारते हुए हम आप अब पूर्व दिशा में आ जाते हैं, तो यहाँ के 7 घाट को हम दृश्यपात करते हैं। इन 7 घाट को देख करके अब पुनः यहाँ से धाम धनी जी के संग ही संग सुंदर साहब जी अब हम चलते हैं तालाब माणिक बीच में, 24 फुहारे उछलत, 24 गुरजों चादरे, कुंड लहरे तालाबे इत। दक्षिण दिशा की ओर जब जाइए तो वहां पर हौज कौसर तालाब 24 हास का महल बना हुआ है। इससे और दक्षिण दिशा की ओर जाइए तो वहां पर सुंदर लाल रंग का माणिक पहाड़ बना हुआ है। इन सारी शोभाओं का अवलोकन करके अब पुनः हम उत्तर दिशा की ओर जब आते हैं, 8 पेड़ पुखराज के तले बंगले जमुना मूल, आगे पटी जमुना खुली, मरोर खाए मिली पुल सूल, बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी हम सभी चल रहे हैं परम धाम के अंदर, साथ साथ हैं आप सभी। दक्षिण दिशा से अब पुनः उत्तर दिशा की ओर जब फिर कर आए और पुखराज पहाड़ के हमने दर्शन किए, इस पुखराज पहाड़ के अंदर मध्य भाग में देखिए खजाने का ताल, पानी का भंडार, 5 पेड़ आए हुए हैं। यही श्री जमुना जी का मूल कहा गया, जिस मध्यम के पेड़ से श्री जमुना जी प्रकट होकर के मूलकुंड
से आगे प्रकट रूप में चलती हैं। पहले पटी हुई है श्री जमुना जी, ऊपर से छत डली है, उसके बाद में खुली जमुना जी हैं। ये संपूर्ण जो विस्तार आता है, जब से मध्य पेड़ से लेकर के ईशान कोण तक जाइए तो 4.5 लाख कोश का इसका प्रवाह होता है। तत्पश्चात मरुड़ लेती है जमुना जी, वह मरुड़ के ऊपर सुंदर 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। उन हिंडोलों में थोड़ी देर झूल करके हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब आइए पूर्व दिशा में, तो यहाँ 7 घाट के सामने पाट घाट मध्य हिस्से में आया हुआ है। दोनों ओर पुल महलों का वर्णन है, और उसके पश्चात अगिन कोण में पुनः ये जमुना जी मरोड़ लेकर के अब जाती है पश्चिम दिशा की ओर। हौज कोसर तालाब में जाकर के इनका जल समाहित हो जाता है। खेल देखन की जो भई रद बदल ईशक, भूत भविष्य और वर्तमान सब इत देखिया हक। इस तरह से अब सुंदर साजी वीरत का वर्णन तो चलता ही रहता है, 25 पक्ष का वर्णन तो बेशुमार ही कहा गया है, लेकिन इसके उपरांत अब ये वर्णन भी होता है कि खेल को देखने की चाहना हमारे अंदर में कैसे प्रकट हुई। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल के अंदर हमने क्या क्या लीलाएं यहाँ पर देखी हैं, इन सभी का वर्णन भी मोमिन करते हैं। इष्ट रक्त से लेकर के जो संवाद शुरू हुआ उसका वर्णन भी किया जाता है। इच्छा भई भगवान पर आए बीच सुपना, फेर रूहों पर हुक्म हुआ व्रज में भय एक ठौर सैयना। जब प्रेम संवाद हुआ, अब देखो लाइन कैसे जुड़ रही है, प्रेम संवाद में ले गए, प्रेम संवाद से फिर अक्षर ब्रह्म की बात करते हैं कि आपने इस स्वप्निक ब्रह्मांड की रचना करी, इस स्वप्न ब्रह्मांड के अंदर में फरामोशी के आधार पर इन ब्रह्म आत्माओं को उतार दिया गया। सबसे पहले ब्रजमंडल के अंदर एकत्रित होकर के ये सारी सखियां उतर आई। 11 वर्ष 52 दिन पीछे पहुंचे वृंदावन। 11 वर्ष 52 दिन की लीला के उपरांत अब वृंदावन में प्रवेश होकर के श्री रास लीला का आनंद लेते हैं। तहां रास लीला खेल के आए बरार अब श्याम, 63 वर्ष तहां रहे वायदा किया इस ठाम। रासलीला खेल करके श्री श्याम श्री कृष्ण जी अब तीसरी बार स्वरूप को धारण करते हैं, जिनको मोहम्मद साहिब अथवा तो हुकुम के स्वरूप भी कहा गया। ये आकर के ब्रह्म आत्माओं के लिए पहले ही वादा करके जाते हैं, शर्त रख करके जाते हैं कि फरदा रोज क्यामत, कल का दिन क्यामत का होगा और उस समय में खुदा स्वरूप इमाम मेहदी प्रकट होंगे। इस बात की साक्षी आपने कुरान के अंदर में रखी, रूह अल्लाह आए दशमी मिने रहे बरस 74। 63 वर्ष की लीला मोहम्मद साहिब की कही गई, तो 74 वर्ष की लीला सदगुरु धनी देवचंद्र जी की कही गई। ताए 313 मिले पाई कुरान में पटंतर, 313 ब्रह्म आत्माओं को आपने जगाया। कुरान के अंदर जो हमारी बात गुह्य रूप से बताई गई है, इसका परिचय भी धनी देवचंद्र जी को होता है। ए संक्षेप वीरत का एक एक कया शुकन, तत्पश्चात हकी स्वरूप महामती श्री प्राणा जी के द्वारा गोमठ जी बंगला जी के अंदर में जो लीला यहाँ पर हो रही है इसका वर्णन भी मोमिन करते हैं। ये सब कुछ संक्षिप्त में वीरत के रूप में यहाँ पर कहा जाता है। विस्तार तो अत्यंत है, लेकिन प्यारे सुंदर साह जी यथा समय बट वृक्ष की भांति ना सही बट बीज के जितना ही हमने समझ लिया। और अब यहाँ से आगे कहते हैं, ए वीरत श्री राज सुनत है तब होत अरुण उदय, सब सेवा में सन्मुख हुआ प्रात का समय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस समय में वीरत को सुनते सुनते अरुण उदय का समय हो जाता है,
और अब सारे जो सेवादार प्रात कालीन सेवा के लिए उपस्थित होते हैं वे आकर के सन्मुख खड़े हो चुके हैं। श्री महामती कहें, मोमिनो ये आठ पहर की बीतक अब स्वरूप साथ को देत है, सो कहो शोभा हक, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर आठों पहर की जो बीतक है इसका वर्णन श्री लाडा जी महाराज ने कर सुनाया। अब आगे कहते हैं कि जो सेवादार हुए उन्होंने किस प्रकार की सेवा गर्मी के दिनों में की, 36 कारखानों को किस तरह से संभाला गया। स्वरूप यानी महामती श्री प्रेरणा जी हक की स्वरूप है, आपने मोमिनों के ऊपर कैसी शोभा को प्रदान किया इसका वर्णन अब आगे के प्रकरण के अंदर में किया जाएगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े दो कड़ी भजन की बोलकर इसके बाद अंतिम प्रकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। न दिशा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है, न दिशा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है, न दिशा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा तो जान से हारी है, नक्शा तेरा दिल कश है, सूरत तेरी प्यारी है, तेरी प्यारी है।
श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सार जी, आज बहनों की संख्या भी अत्यंत ज्यादा हो रही है। आप सभी से विनय पूर्वक हम प्रार्थना करते हैं कि बाहर जो कुर्सियां लगी हुई हैं, आप सभी बहनें बैठेंगी यहाँ पर और चर्चा का रसपान करेंगे एवं भजनों का आनंद लेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री छत्रशाल पार्क में इस जगह में आप सभी को बैठना होगा जो अब आएंगे। तो प्यारे सुंदर सा जी, अब दो अंतिम प्रकरणों की चर्चा रहती है, 36 कारखाने और गर्मी के दिनों की सेवा। जैसे कि हम परिवार का संचालन करते हैं तो उसमें कौन सी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती, हर चीज की आवश्यकता है। साबुन से लेकर के कपड़े लते से औषधि तक, वस्त्रों तक, हर चीज की आवश्यकता होती है। और इतने बड़े भव्य परिवार को जब श्री प्राणा जी लेकर के चले हैं श्री छत्रशाल महाराज जी के गृह मंदिर के अंदर, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के 36 कारखानों की सेवा कही गई। जिन 36 कारखानों में कपड़े लते औषधि सुई धागे से लेकर के हर प्रकार की सेवाओं को संचालित किया जा रहा है, तो यहाँ पर मूल कुल दीवार गिरी थी गरीब दास जी के हाथ। सभी कारखानों के ऊपर में एक दीवान होते हैं, उसी जगह में गरीबदास जी को यह सेवा दी गई थी। लेकिन जब समय आया तो गरीबदास जी इस सेवा में जब न पहुंच पाए तब उन्होंने श्री राज से अर्जी की। गड़े से हुक्म हुआ पातशाह के हजूर, जब गरीबदास जी ने यह बात कही कि मेरे द्वारा अब तन से यह सेवा नहीं बनती, तो लादा जी महाराज जी के ऊपर श्री प्राणा जी ने इस सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा। लेकिन जब आपको दिल्ली जाने का आदेश होता है तब वृंदावन को दई, ये सेवा अब वृंदावन भाई को दी गई। तब लालदास को पठाए ले पढ़ने को पैगाम, इसी समय श्री लादा जी महाराज कुरान का फाल जब देखते हैं तब श्री प्राणा जी का आदेश इन पर हुआ कि अब आप जाइए और पन्ना जी में श्री छत्रशाल जी महाराज को यह आदेश दीजिए, पैगाम सुनाइए। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के, जब श्री लादा जी महाराज थे तो उनके हाथों में ये सारी 36 कारखानों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। एक मूल बाई जी के सब पहुंचावे साज, एक कारखाना ऐसा है जो स्त्री वर्ग के लिए है, श्री बाईजराज महारानी के नेतृत्व के अंदर होकर के जो जो वस्तुओं की आवश्यकता बहनों को पड़ती है ये सब पहुंचाई जाती है। दोनों सरों पर साथ के सब वस्त्र भूषण, दोनों स्वरूपों के लिए जो वस्त्राभूषण की आवश्यकता है ये सब कुछ पहुंचाने की सेवा बड़े प्रेम भाव से श्री लालदास जी करते हैं। सेवा तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ धाम धनी जी के मुखारविंद से प्रकटित एक भी चौपाई को अथवा एक भी हरफ को छोड़े बिना सेवा में भी पहुंचना चाहते हैं और वाणी को भी आत्मसात करना चाहते हैं, ऐसी श्री लालदास जी महाराज की उत्तम सेवा है। और अनाज सब जात के साग तरकारी सब, मेवा मिठाई हरडे जो जिन समय चाहिए जब, इस प्रकार से अब यहाँ जितने भी मेवा मिठाई अनाज शाक तरकारी हरडे आदि इस सब के लिए एक कारखाना मेंटेन किया गया है। रुई सूत और बासन निर्गुण और सरगुण, ये अलग अलग कारखानों का वर्णन हो रहा है जिसके अंदर वस्त्र आभूषण निर्गुण प्रकार के भी हैं, सरगुण प्रकार के भी हैं, जिनको जो पहनना हो श्री छत्रशाल जी महाराज के गृह मंदिर में जब प्राणा जी एवं श्री बाईजू महाराणी आ पहुंचे तो इनके निर्गुण वेश को बदला करके सर्वण वेश को जब आपने धारण कराया, मोमिनों को भी यह छूट दी गई कि आप चाहे जिस वेश को धारण करें, इसीलिए निर्गुण और सर्वगुण दोनों ही वेश के यहाँ पर आभूषण वस्त्र अलंकार सब कारखानों में मिल जाते हैं।
घनश्याम भाई की सेवा है, लेखा लिखने का काम करता है, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। धर्मदास खजाने एवं जो धर्मदास भाई हैं, ये खजाना जो ट्रेजर है उसको मेंटेन करते हैं। इस प्रकार से ट्रेजरर का जो काम यहाँ पर धर्मदास भाई करते हैं। कपड़ा मकरंद देव ही सब साथ और श्री राज, जो कपड़ा लाने की सेवा है मकरंद दास जी करते हैं। भिकारी दास भी रहे खजाना मकरंद रखें, जब अंतिम समय के अंदर में ये सारा खजाना संभालने की जिम्मेदारी मकरंद दास जी के पर में दी जाती है, जो पहले भिखारी दास जी को दी गई थी। इस प्रकार से ये अनमोल सेवाएं हैं जो यहाँ पर मोमिन कर रहे हैं। श्री महामती कहें ए मोमिनो ए साथी सेवा के, कहूं केता अजो बहुत हैं जिन प्यारे चरण धनी के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री लालदास जी महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं कि ये तो मैंने चुनिंदा नाम लिए हैं सेवादारों के, लेकिन अभी और कितना कहूं, बहुत सारे और सुंदर साथ हैं जिनके लिए धाम धनी के श्री चरण कमल ये अत्यंत प्यारे होने के कारण से आप सहु ने इस प्रकार की सेवा की कि किन किन का नाम यहाँ पर गिनाया जा सके। अब साथ जी अंतिम प्रकरण की ओर आगे बढ़ते हुए गर्मी के दिनों की सेवा को संक्षिप्त में श्रवण करते हैं। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के अंदर की विशेष बात है कि ठंडी में अत्यंत ठंडी पड़ती है, वर्षा में भारी वर्षा एवं गर्मी के दिनों में सख्त गर्मी भी होती है। इस प्रकार के स्थान के अंदर जब ठंडी होती है तब तो गर्मी करने की सेवा की जाती है, लेकिन गर्मी के दिनों में जब ठंडक करने की सेवा करनी है तो ये एक विशेष प्रकार की सेवा है और इसे करने के लिए बहुत ही मेहनत का काम हो जाता है। तो किस तरह से मोमिन कुर्बान होकर के एक दूसरे के प्रति इस सेवा भाव को लेकर के एक दूजे की सेवा करते हैं, इसका वर्णन किया गया। यहाँ पर एक खुशबोए खाना बना करके तैयार रखा गया है। सारे प्रकार के अत्तर गुलाब जल आदि के शीशे खरीद करके बना करके तैयार रखे गए हैं। एवं अगर चोवा खस खाना करे सेवा गंगा राम, गंगा राम भाई की यह सेवा है कि वे एक खस खाने को खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर खुशबोए खाना सब राखत, खुशबोए खाना सब प्रकार के इत्र गुलाब जल आदि को संभाल करके रखने की भी ये सेवा करते हैं। अब यहाँ जो खस खाना बनाना है तो उसमें अलग अलग कपचियों को लेकर के पहले तो लकड़ी को ले आएंगे, उसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में काट करके तैयार करेंगे। इनको संवारने के बाद में इसकी धार को निकाल दिया जाएगा और लाल रंग के खराव से इसको ऊपर से पेंट किया जाता है। इस प्रकार इन कपचियों को मिला मिला करके यहाँ एक खस खाने को तैयार करते हैं। और ये टटिया बांधने का जो काम है ये ओका गंगा राम भाई करते हैं। छप्पर छाए भली भांत सो, ऊपर से इसके ऊपर में छप्पर यानी कि छत भी डाली जाती है। सेवा कृष्ण दास दयाल रहे मोहम्मद खान इन काम, तो इस खस खाने को तैयार करने के लिए कृष्ण दास जी मोहम्मद खान ये तैयार रहते हैं। बंगले के बीच में सब सेवा करे समान, इस बंगला जी निज दरबार के अंदर सब कोई मिलकर के एक समान भाव से सेवा करते हैं। न कोई आगे न कोई पीछे, न कोई उच्च है न कोई नीच है, सब एक समान है धाम धनी जी की दृष्टि के अंदर में। काम बड़े का पड़े रहे मोहन हीरा मन, बड़े का जहां जहां काम पड़ता है तो मोहन और हीरा मन भाई जिनके वंशज अभी भी श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में हैं, ये सभी इस कार्य के अंदर सेवा देते हैं।
पुनः बांस कमचिये ल्यावत। ये जो खसखाना खड़ा करने के लिए बांस की कमचियां लानी है, तो ये जो सेवा है पूर्वीय गाड़ों पर, ये पूर्वीय भाई गाड़ों के ऊपर ले लेकर के आते हैं। लाल खराऊ चाहिए ल्यावत है नारायण, जो इसके ऊपर लाल खराऊ के द्वारा रंग का काम करना है तो नारायण भाई ले आकर के करते हैं। अब इस समय में सारे बंगला दरबार के अंदर जल छिटकने की सेवा करते हैं। सारे बिछौने जो यहाँ बिछे हुए होते हैं इन सबको उठाया जाता है। फिर उसके बाद में झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर जल को इस प्रकार से छिड़का जाता है कि जमीन के अंदर तक ये जल प्रवेश कर जाए, ताकि उसकी जो गर्मी है वो गर्मी शांत हो जाए। वीर जी मोदी जल छिटकत कर राज की पहचान। तो वीर जी मोदी भाई अन्य मोमिनों को साथ में लेकर जल छिटकने की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन्होंने श्री राज की पहचान की है वे इस सेवा कार्य से कदापि पीछे हट नहीं सकते हैं। नंद राम पखाले मंगावत आखर वल्लभ इत छिटकत। जो पखाले मंगा रहे गुलाब जल आदि के, इस सब नंदराम जी ने मंगा कर लिए हैं और छिड़कने की सेवा नंदराम जी करते हैं। तर करे जिमी को गर्मी न फिरकत, गर्मी फिरकने न पाए इसीलिए यहाँ पर जमीन के अंदर तक इस जल को उतार दिया जाता है। और फिर इसके ऊपर में बाहु डोलने की सेवा जो मोमिन है ये करते हैं। ये एक दूसरे की सेवा अच्छी प्रकार से की जाती है। जब महाराजा आवत बाहु डोले इन समय, जब श्री चित्रशाल जी की उपस्थिति होवे तो वे भी इस सेवा से पीछे नहीं हटते हैं। और साथ ही सब डुलावत जहां लग पौढ़त श्री राज। गर्मी के दिनों में श्री राज को इस प्रकार प्रसन्न करने के लिए सभी सुंदर सांझी बाव डोलाने की सेवा बारी बारी से करते हैं, जब तक श्री राज पौड़े हैं। इन सेवा में ने पहले रहते हैं निर्मल दास, तब पीछे प्रेम दास ने सेवा करी जो खास। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के गर्मी के दिनों की सेवा में ही वस्त्र लाने की सेवा हो, चाहे जल को छिटकने की सेवा हो, ये सारी सेवाएं बारी बारी से करते हैं। प्रेम दास जी ने करी, निर्मल दास जी ने करी। हकीकत खान की सेवा यह है कि गुलाब के शीशे भर करके वे यहाँ पर भेजते हैं। छिड़कते हैं सब सेज पर गंगा राम इन समय, और गंगा राम भाई इन गुलाब जल के शीशों में से इस जल को लेकर के छिड़कने की सेवा करते हैं। मीही वस्त्र पहनन के प्रेम दास ए ल्यावे। गर्मी के दिनों में सुंदर साजी ये भाव होता है कि धाम धनी श्री राज को इतने मीही मुलायम बारीक वस्त्र पहनाए जाए कि गर्मी का अंदाजा न होवे। इसी प्रकार से अभी भी प्रथावश देखिए तो गर्मी के दिनों में केवल स्फटिक वर्ण के सफेद रंग के वस्त्र जो मीही यानी मुलायम है बारीक है ऐसे ही वस्त्रों को अर्पण किया जाता है, और होली के समय से लेकर के सफेद वर्ण के वस्त्र पहनाए जाते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उतने ही वस्त्र और कोमल और मीही हो जाते हैं। ऐसी सुंदर सेवा या मोमिन करते हैं। माऊजी भाई न समय आए पोरबंदर से। माऊजी भाई आते हैं और अनार को रखने की सेवा वे करते हैं, पत्रियां लिख करके पहुंचाने की सेवा वे करते हैं। सुंदर साज जी गर्मी के दिनों की इस सेवा को हम आपने श्रवण किया। अब अंतिम दो चौपाइयों को यहाँ रखते हैं, क्योंकि आगे का कार्यक्रम कुछ विशेष है। प्यारे सुंदर साज जी, गत एक महीने से कुछ बालक यहाँ पर श्री तारतम वाणी के विषय में सीख रहे हैं, और जो बेसिक फाउंडेशन चीजें हैं वह उनको सिखाई गई हैं। तो आज बालक अपनी ओर से कुछ यहाँ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि आप सभी कोमल हृदय से इनके इस सीखे हुए वचनों को श्रवण करेंगे। तो मैं सभी बालकों से कहूंगी कि आप आगे की रो में आकर के बैठ जाएंगे, और भाई अजय भाई जी से विनंती करते हैं कि इस समय के दौरान आप एक भजन को प्रस्तुत करें।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उठ पूरी पद्मावती चल चल चल, उठ पूरी पद्मावती चल चल चल, तेरी मुझे दिल हो जाए, चल 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 तेरी मुझे दिल हो जाए, चल चल चल।
प्राण प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, राजा छत्र सारी की जय। प्यारे सुंदर साहब जी, अब हम बच्चों की जुबानी कुछ तारतम ज्ञान के विषय की बात को श्रवण करेंगे, जो कुछ अल्प मिनटों के अंदर ही हमारे सामने सार गर्भित बात को पेश करेंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ नव्या को। नव्या आएगी और हमारे सामने तारतम की कुछ बातों को समझाएंगे। हेलो, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री बाबा दयाराम सारे आपकी सलाही जय। कदमो लागू करू सेजता, पकड़ के दो पाए, हुकुम करत है माशूक बीच इन आशिक के दिल आए। पहली चीज जो मैंने आपसे सीखी है वह ये है कि जब हम प्राणनाथ प्यारे की जय बोलते हैं, तब हम श्री राज्य के पांचों स्वरूप की जय बोलते हैं, चाहे वे ब्रज के कृष्ण, श्री राज के कृष्ण, मोहम्मद साहब, देवचंद जी या प्राणनाथ जी हो। इसीलिए एक बार मेरे साथ फिर से प्राणनाथ प्यारे की जोरदार जयकारे बोलेंगे और इस जयकारे की आवाज श्री पद्मावती पुरी धाम तक पहुँचनी चाहिए, श्री गुम्बद जी दरबार तक पहुँचनी चाहिए। इसीलिए एक बार फिर से श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और फिर मैंने ये सीखा कि तारतम मंत्र का हमारे जिंदगी में क्या महत्व है। आपने हमको यह बताया कि that we all are born with a silver spoon in our hand and that thing is तारतम मंत्र। आपने हमको यह बताया कि देवचंद्र जी ने कितने परिश्रम के बाद हम सभी के लिए तारतम मंत्र, 40 साल के परिश्रम के बाद हमारे लिए तारतम मंत्र लेकर आए। और आपने हमको यह बताया कि द डायमंड वी हैव इट इज ऑफ नो यूज अंटिल एंड अनलेस वी नो द वैल्यू ऑफ दैट डायमंड। जो हीरा हमारे पास है उसका कोई यूज नहीं है जब तक हमको उस हीरे का मूल भाव नहीं पता है। इसीलिए आपने हमको यह भी कहा कि हमको हर दिन अपनी हर श्वास में हर दिन हमको श्री तारतम मंत्र का जाप करना चाहिए। आपने हमारी हैबिट बनाई कि हमको 11 बार या 21 बार हर दिन अपने तारतम मंत्र का जाप करना चाहिए। इसीलिए अंत में अपनी वाणी को कुछ कम शब्दों में विराम देते हुए बस यही कहना चाहूंगी, तारतम का बल कोई ना जाने, जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की चित की बातें तारतम में कही दो। थैंक यू एंड प्रणाम जी। बहुत सुंदर, कुछ कम समय के अंदर ही लेकिन बच्चों के अंदर की जो ग्रेस्पिंग पावर है उसका हमें परिचय मिल रहा है कि कैसे उन्होंने तारतम के विषय की बात को आत्मसात कर लिया। और सुंदर साह जी, बाल्यकाल में कहे हुए कोई भी वचन हमारे दिल से कभी छूटते नहीं, वो जीवन भर हमारा साथ देते हैं। तो आइए सुंदर साह जी, अब इससे आगे हम सुनते हैं सागर को। आइए सागर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम करता हूँ। हमने पिछले कुछ दिनों में शिविर में आत्मा एवं परात्मा के बारे में जाना। सबसे पहले मैं आत्मा के गुणों को बताता हूँ। आत्मा के 9 गुण होते हैं, सर प्योर एग्जिस्टेंस, चित प्योर नॉलेज, आनंद प्योर ब्लिस, अनंत एटर्नल, अद्वैत एंड नॉन ड्यूअल, और साकार फॉर्म वो लव लिव्स इन जीवन लाइफ सुंदर ब्यूटीफुल। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें सीखी हमने। तिथा लीला के बारे में भी थोड़ा जाना, जिसे मैं चौपाई के द्वारा प्रस्तुत करने चाहता हूँ। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, ठग ठाकुर चोर, बिना प्रेम लीजिए नहीं तुलसी नंद किशोर। और पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ढंग को, कौन कहे मैं जानू। अर्थात धनी श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं, जब तक आत्मा
परात्मा की पहचान नहीं कर लेती तब तक वो श्री राजी महाराज की प्रेम को नहीं जान पाएगी। श्वास श्वास में नाम जपो मिथा श्वास मत खो, ना जानो इन श्वास को फिर आवत हो ना हो। अर्थात धनी श्री प्राणनाथ जी समझाते हैं कि हमें हो सके तो हर श्वास में श्री निर्नाम मंत्र का जाप एवं श्री राजी महाराज का ध्यान करना चाहिए। हमें ऐसे ही कोई श्वास नहीं खोनी चाहिए है। इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं फिर अभी श्वास आए या ना आए। मैं सभी सुंदर साथ जी एवं गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ सुंदरसाथ जी तालियों से बधाई बच्चों को उनका उत्साह बढ़ाना है। राम के धनी की जय। नबिया जी यहाँ कहीं भी आ जाए नबिया जी वही चली गई आ जाइए आपको अब सुंदरसाथ जी आप सब के बीच में मैं लव्य को यहाँ पर बुलाती हूँ। बेटा आकर के आप सबको प्रणाम करते हुए जो आपने सीखा इसका सार बताएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। एवं प्यारे सुंदर साथ जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटार कोट प्रणाम। हमारी प्यारी दीदी ने हमें यह सिखाया है कि सुबह उठकर राजी को याद करते हुए यह चपाई बोलनी चाहिए। कदमोला भू करु से जिता पकड़ के दो उपाय, कब करत है मासुक विचारिक के दिल आए। श्री इंद्रावती जी श्री राजी महाराज के श्री चरणों में अपना प्रेम पूर्वक प्रणाम कर रही है और वह कह रही है श्री राजी महाराज मेरे दिल में आकर अपने स्वरूप का वर्णन करने का आदेश दे रही है। प्रणाम जी मुझे श्री प्राणनाथ करके बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि ये क्लासेस ऐसी ही चलती रही रही है। प्रणाम जी नव्या यहाँ पे नहीं है तो हम नव्या के बदले नव्या के पापा को कहें। अब सुंदरसाथ जी आपके बीच में और एक छोटा बम बड़ा धमाका ऐसे हृदय को मैं यहाँ पर बुलाऊंगी और इसने भी बड़े अच्छे संस्कार अपनी माता जी से शिरानी जी से प्राप्त किए हैं। बहुत छोटी उम्र से उसने प्रारंभ किया और आश्चर्य लगता है इनकी बातों को सुन करके। आइए हृदय के दो वचन को हम सुनते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी आज मैं एक चुपोई का वर्णन करने जा रहा हूँ। सतगुरु मेरे श्याम जी मैं अहनिस चले रहूं, सन्मन मेरा यही सो मैं ताथे सदा सुख लहूं, मैं ताथे सदा सुख लहूं। श्री महामती जी कहते हैं कि श्री राजी ही मेरे सतगुरु हैं। मेरी इच्छा है कि मैं दिन रात उनकी चरणों की छत्र छाया में रहूं। मेरे आत्म का मूल संबंध उन्हीं से तो है, इसलिए मैं उन्हीं से अपना आनंद लेती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। बहुत सुंदर बच्चों के जो भाव है उनके दिल से जो प्रकट होता है इसे हम सुन करके बेहद खुश हो जाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर साहब जी हमारे बीच में आलोक जी की बेटी प्रज्ञा ये आकर के हमें कुछ सारगर्भित बातें जो उसने ग्रहण किए इस दरमियान ये बताएंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
परम आदरणीय रचिता दीदी और समर सुंदर सार जी को मेरा प्रेम करना। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इतने कम टाइम में रचिता दीदी से धर्म की बेसिक नॉलेज और प्रतिदिन के सभी कार्यों को करते हुए किस प्रकार से हमें श्री राज जी से जुड़े रहना ये बताया, जो मैं आपको कुछ चौपाइयों के माध्यम से बताना चाहूंगी। सुबह उठते ही और रात्रि में सोने से पहले हमें इन चौपाइयों का पाठ करना है, जिससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और नेगेटिव वाइब्स सब दूर हो जाती हैं और हमारी आत्मा को बल मिलता है। तो सबसे पहली चौपाई जो हमें सुबह उठते ही बोलनी है, कदमो लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुकुम करत है माशू बीच आशिक के दिल आए। दूसरी चौपाई जो हमें रात्रि में सोने से पहले पढ़नी है, तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पौड़े की खौल, इन समय अपने स्वरूप को याद न्याओ ना और। सुंदर सार जी, एक बात और कहना चाहूंगी, जब हम श्री राज जी पे पक्का ईमान लाते हैं तो धनी हर पल हमें अपनी निगेबानी में रखते हैं और हमारे को हर पल माया से बचाते हैं और हमारे सारे मन की इच्छा मन के काम सब पूर्ण होते हैं। जारे धनी धनवट करे प्यारे बल वैरी ना हरे, बली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारण सारे। जारे धनी धनवट करे प्यारे बल वैरी ना हरे, बली गया काम सराड़े चढ़े मन चितव्या कारण सारे। बोलिए श्री प्राण प्यारे की जय। बहुत सुंदर सुंदर सार जी, सरल नहीं होता कि आप दो मिनट में आकर के खड़े हुए और 200-300 आदमी सुंदर सार के बीच में अपने भाव को प्रकट करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सार जी, यहाँ पर एक सुंदर सेवा श्री भाई वीरेंद्र जी ने, सोहनलाल जी ने, बाबू जी ने हमारे सामने दी है कि जो भी बालक आए इन सबको 100-100 रुपए की भेंट उनकी ओर से है। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार इन बच्चों के उत्साह को बढ़ाने के लिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आदरणीय सुंदर सार जी, मेरा ये छोटा सा भाव, मेरे मन के उद्गार हमारी प्यारी आदरणीय रचिता जी सखी के प्रति समर्पित है। ये सावन का पावन महीना, होती भी तक वाणी की भर साथ है, प्यारी रचिता सखी के मुख से भाई हमने भी ये सौगात है। ये सावन का पावन महीना, धन्य हो गई माता
कालदास जी बैठे साक्षात में, आज कोई भी ये ना समझे सिर्फ रचिता जी की आवाज है। ईमान से देखो आज भी कालदास जी बैठे साक्षात में, ये सावन का पावन महीना जी। बहुत सुंदर भाव जो आपने प्रकट किया। आप यहाँ आएंगे, मैं आपको पुष्पमाला से अभिवादन करना चाहती हूँ। बोलिए शिवाय युवराज महारानी की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी, हृदय स्पर्शी भाव और दिल में चुभने वाले वचन आपने सच ही कहा कि जो सब कुछ यहाँ आप श्रवण कर रहे हैं ये वास्तव में बोलने वाले वक्ता का नहीं स्वामी श्री लालदास जी महाराज का होता है। इसलिए सबसे पहला आभार अगर हम व्यक्त करें तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के श्री चरणों में, महामती श्री प्राणा जी के श्री चरणों में हम करते हैं कि जिनके द्वारा हमने ऐसी सरस सुंदर वितक चर्चा का रसपान किया। सुंदर साहब जी, तदुपरांत परम आदरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलिंग श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरण कमल में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने बाल्यकाल से ही अंदर के अंकुर को पहचाना और उस अंकुर को सही दिशा दे करके वीतक वाणी विराट और चर्चनी इस ज्ञान के द्वारा मेरे अंदर के उस बीज को खिलने के लिए विकसित होने के लिए वो सारी बातें बताई कि जिसके द्वारा आप सब के समक्ष यहाँ बैठ करके स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी के आसन में होकर ये वाणी का उच्चारण किया जा रहा है। सुंदर साहब जी, अधिक समय न लेते हुए क्योंकि सुंदर साहब में एक क्यूरियोसिटी है कि दीदी आप इस मार्ग में कैसे आए। छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति हर किसी में ये जानने की उत्सुकता है, इसलिए आप सभी के समक्ष आज दो वचन में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इसका मूल कारण होता है डेस्टिनी, ये भाग्य में लिखा है क्योंकि यदि अहोभाग्य का उदय होता है किसी जन्म के अंदर तो ही इस वीतक वाणी के आश्रय में हम आ सकते हैं। इसके बिना वीतक वाणी के कहर्फ को सुनना अथवा कह पाना वो हमारे बस की बात नहीं होती। भाग्य से जब परम पूज्य गुरुदेव के साथ में मेरा संयोग हुआ, 7 वर्ष की उम्र में श्री तारतम महामंत्र को मैंने ग्रहण किया, तब से लेकर के दीक्षा गुरु कहें एवं शिक्षा गुरु कहें तो आप श्री गुरुदेव जी ने ऐसे बाह पकड़ करके लौकिक जो वर्ल्डली हमारी स्टडीज हैं उसके साथ साथ में अध्यात्म ज्ञान के अंदर भी मुझे गहराइयों में उतारा। आप श्री का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, बेड रिडन थे और इस प्रकार के उनके स्वास्थ्य की स्थिति होने के बाद में भी
परम पूज्य गुरुदेव ने 42 ग्रंथों को लिखा। इतना ही नहीं, ते सारे विद्यार्थियों को तैयार किया और उनमें से एक फूल मैं हूँ, जो आप सब सुंदर साथ की सेवा में अर्पण किया गया है। बोलो श्री प्रभुनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य वाणी आचार्य श्री दीनदयाल गुरु जी की जय। मैं गुरुदेव का पल पल शुक्राना अदा करती हूँ एवं आपने जिस प्रकार से बाह पकड़ करके एक एक विषय एक एक मुद्दे को दिल में उतारा, इसी की बदौलत है कि आज ये 12वीं बीतक है मेरे जीवन की। हालांकि उम्र के हिसाब से देखिए तो बड़े बड़े विद्वान भी यहाँ आ नहीं पहुंच पाए होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है। मैं नहीं जानती हूँ, मैं सोनलाल बाबू जी से पूछना चाहूंगी कि सबसे यंगेस्ट बीतककार मुझे लगता है कि आने वालों में मैं हूँ। ये जो शोभा श्री राज्य ने प्रदान की, ये परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है एवं इस आशीर्वाद को पाना भी सुलभ नहीं होता यदि माता पिता का इस प्रकार का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता। 12 वर्ष का बच्चा क्या जाने अपने आप को क्या संभाले, लेकिन माता पिता ने साथ दे करके ज्ञान लेने की उस प्रक्रिया को सुलभ बनाया, इसीलिए हृदय से मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करती हूँ। और आज इस स्तर के ऊपर जो मैं बात कर भी पाऊँ तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव माता पिता इन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर आकर के कुछ दो शब्द कहने का मुझे अवसर मिला एवं इसी के साथ अपने जीवन के अंदर श्रीमद् भगवद् गीता एवं जो भागवत का सार में ग्रहण कर रही हूँ वो भी इंग्लिश भाषा के अंदर, ये सिखाने वाले परम आदरणीय श्री विश्वनाथ वेंकट जी, आप ऑनलाइन जुड़े होंगे, आपके श्री चरणों में मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप श्री ने 89 इयर्स की उम्र में है वे और इस समय में भी इतनी शिद्दत से सिखा रहे हैं और हर एक शब्द को सफाई से समझाते हुए जो आप गीता के भाव मेरे द्वारा सुन रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन, उन्हीं की कृपा है। शास्त्र के वचन आपने मुझे सिखाए हैं एवं सुंदर साथ जी, आप सब सुंदर साथ जी को हृदय से कोटि कोटि आभार, क्योंकि COVID-19 के चलते शायद ये कथा चर्चा संभव भी ना हो पाती, लेकिन श्री राजी महाराज जी की कृपा कि जिसके द्वारा हम आपका इस प्रकार का समूह यहाँ हुआ और अद्वैत वाणी की वर्षा इस तरह से होने लगी। यूं तो आभार व्यक्त करने के लिए पूरी लिस्ट है मेरे पास, पर यह संक्षिप्त में अपने जीवन का सार मैंने आपके आगे बताया कि जब तक आप सहू का भी संजोग मुझे नहीं मिलता तो प्यारे साथ जी इस प्रकार की वितक हो ही नहीं पाती, और आपके साथ के बिना, प्रेम और सत्कार के बिना आज ये दिन देखने नहीं मिलता, इसलिए हृदय से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सुंदर साथ जी, आगे का वर्णन करें तो जीवन के अंदर एक लक्ष्य लिया है कि जो यंग जेनरेशन है, आजकल की यंग जेनरेशन को जिस प्रकार सुविधा से समझाया जा सके, उनके मन अनुकूल समझाया जा सके, यही प्रयास मैं कर रही हूँ, जिसमें कि यंग जेनरेशन जुड़े। इससे पहले भी हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप अनाउंस किया है जो सुरभि चिलाना जी इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, अभी भी जो लोग जुड़े नहीं हो और जुड़ने की इच्छा हो तो आप सब जुड़ सकते हैं। आजकल में ही हम उसका जो पहला सेशन है इसको ऑनलाइन करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो इसी के साथ प्यारे सुंदर साथ जी, एक और विनती है यहाँ कि हम वीतक को पूरे महीने तक सुन चुके हैं, लेकिन इसको समरी के रूप में एक 5 या 10 मिनटों के अंदर, क्योंकि कई सुंदर साथ आ नहीं पहुंचे, तो इस वीतक के सारांश को यहाँ प्रकट करते हैं। सुंदर साथ जी, ये वीतक जो है श्री 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 तीनों स्वरूपों की वीतक, बसरी मल के हक की स्वरूप की वीतक है। इस वीतक को श्रवण करने का लाभ हमारे लिए पूरे वर्ष के अंदर एक ही महीने में हमको मिलता है, लेकिन उस एक महीने के अंदर जो हम आत्मसात करते हैं वो पूरा साल हमारे साथ में ऊर्जा एनर्जी के रूप में चलता है, क्योंकि यहाँ तीनों स्वरूपों के जीवन को यदि आप संक्षिप्त में देखें तो जब रसूल साहिब का आगमन हुआ तो आपने आकर के भविष्यवाणी बताई, फरदा रोज कयामत का भविष्य आपने बताया कि आगे का जो समय आएगा उसमें आत्म जागरण की लीला होनी है।
साथ जी यहीं से हमको समझना है कि पहले के जो दो दिन कहे गए ब्रज लीला का और रास लीला का, ये दोनों ही दिनों के अंदर ब्रह्म लीला को किया गया, लेकिन वो ब्रह्म लीला करने वाले जो श्री कृष्ण स्वरूप हैं, इन स्वरूप को दुनिया ने पहचाना कि ये तो ब्रजरास के कृष्ण कन्हैया है। तारतम ज्ञान ने यह हमको समझाया कि ये श्री कृष्ण कन्हैया कहाँ से आए हुए हैं, इनका धाम कहाँ है और मूल में इनका विश्राम कहाँ, ये कैसे लीला करते हैं। बिना तारतम ज्ञान के दुनिया आज भी श्री कृष्ण जी को मानती है, इनकी लीला को ब्रह्म लीला कह करके इसी को भजते हैं, उपासना करते हैं। कई भागवतकार इस लीला को सुनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी का जो मूल परम धाम से ताल्लुक है वो तो केवल श्री कृष्ण प्रणामी श्री निजानंद संप्रदाय के अंदर में जानते हैं, और सुंदर साथ जी ये सब कुछ इस वीतक और वाणी की बदौलत हमने जाना। यहाँ सार रूप में कहें तो जिन स्वरूप ने आकर के कृष्ण रूप में ब्रह्म लीला की ब्रज और रास के अंदर, यही स्वरूप अब दोबारा से आए मोहम्मद साहिब बन करके, और यही स्वरूप अब चौथी बार आते हैं श्री सतगुरु बन करके। लेकिन यहाँ गौर कीजिए तो हर एक स्वरूप का अपना अपना कार्य है, उस कार्य से कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं इस प्रकार आपने कार्य किए। जैसे मोहम्मद साहिब के ऊपर में ये उत्तरदायित्व तो दिया गया कि साक्षी रूपी कुरान के वचनों को रखें, इतना ही नहीं भविष्य को बताएं, इसीलिए आपने जो भविष्य की बात है उसको साफ रूप से बताया। सदगुरु स्वरूप के ऊपर में यह जिम्मा है कि मेहनत करते हुए जो तारतम महामंत्र कभी भी संसार में अवतरित नहीं हुआ, इस तारतम महामंत्र को अवतरित करें। जब आप 5 वर्ष के हुए तब से लेकर के निरंतर मेहनत परिश्रम करते रहे, जब आप 40 वर्ष के हुए तब जा करके तीसरे बेर के दर्शन में धनी देव चंद्र जी को तारतम महामंत्र की प्राप्ति हुई। सुंदर साहब जी, जहां हमें जाना है वहां का साधन होना चाहिए। अगर यहाँ से केवल अपने घर तक जाना है तो आप चल के एक्टिवा से इत्यादि से जा सकते हैं, लेकिन जो यदि आपको यहाँ से विदेश यात्रा के लिए जाना होगा तो आपको कंपल्सरी क्या चाहिए, हवाई जहाज ही चाहिए। लेकिन अगर हमें चांद की यात्रा पर जाना है तो वो भी काम नहीं आएगा, फिर सैटेलाइट के माध्यम से जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जैसे स्वर्ग वैकुंठ के मंत्र तो कई हैं संसार के अंदर, किंतु श्री परमधाम का जो महामंत्र है वो आज दिन तक संसार में अवतरित नहीं हुआ था, जो सतगुरु स्वरूप की रहमत और मेहनत के द्वारा अवतरित हुआ। अब श्री सतगुरु स्वरूप ने दिए हुए इस मंत्र का प्रचार प्रसार श्री इंद्रावती सखी के हाथों हुआ, इसीलिए कहा कि इंद्रावती हाथ जागन, 12,000 ब्रह्म आत्माओं की, साकुंडल सकुमार सखियों की, इतना ही नहीं 24,000 ईश्वरी सृष्टि की जागने का उत्तरदायित्व, सारे जीव सृष्टि की जागने का उत्तरदायित्व, ये सब कुछ इंद्रावती सखी महामती श्री प्राणनाथ जी के सिर के ऊपर में सतगुरु धनी देवचंद्र जी देते हैं। इस तरह से प्यारे सुंदर साहब जी, जो 5वां रोज कहा गया इमाम की इमामत का, श्री प्राणनाथ जी के द्वारा जो धर्म का संदेश देश विदेश में फैलाया गया, दीप बंदर से ये यात्रा प्रारंभ होती है, तो कई जगहों पर श्री प्राणनाथ जी ने भ्रमण किया, कई नए सुंदर साख को इस धर्म मार्ग में आपने जोड़ा, ठठा नगर मस्तक बंदर सूरत आदि बड़े बड़े शहरों से होते हुए धाम धनी श्री प्राणनाथ जी पुनः अब दिल्ली में पाशा औरंगजेब को संदेश देने के लिए 12 मोमिनों को तैयार करते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य साफ है, न केवल हिंदू जाति के अंदर धर्म संदेश फैलाना है बल्कि मुसलमानों तक भी इसका संदेश वे पहुंचाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही संप्रदाय के अंदर में, दीन और दुनिया के लोगों के अंदर में ये धर्म का संदेश श्री जी ने फैलाया। दिल्ली के उपरांत कहें तो उदयपुर
और उदयपुर से होकर के यहाँ पर आमेर सांगानेर में श्री प्राणनाथ जी के चरण पड़े। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस समय जिस पावन धरती के ऊपर हम आप बैठ करके धाम धुनी की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, ये वही तो स्थान है जहाँ श्री प्राणनाथ जी के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं। सुंदर साहब जी, इस सारी पृथ्वी को हम धन्य धन्य कहते हैं कि जहाँ पर पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज जी ने आकर के अपने चरणों की धूली यहाँ पर डाली हुई है। और इस स्थान के अंदर से श्री प्राणनाथ जी और आगे बढ़ते हुए मंदसौर औरंगाबाद आदि में प्रवेश हुए। वहां से होकर के जब आप धर्म पर्यटन के अंतिम छोर पर श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना करते हैं तो यहाँ पर ही अर्श परम धाम की सारी देवतें जाहिर होती हैं। श्री परमधाम की लीला जिसको किसी ने नहीं जाना था वो सारी लीला यहाँ पर प्रकट हो जाती है। तो ये सारी लीलाएं छठे दिल के अंदर की लीला बताई गई। अब प्यारे सुंदर साहब जी, ये वीतक का सार हमने देखा, लेकिन सार ग्रहण क्या किया है ये एक मुख्य बात है। क्योंकि वीतक सुन तो लिया, लेकिन वीतक को सुन करके ग्रहण तो हमें सेवा का भाव करना है। ज्ञान के वचनों को सुना, जब हमने इन वचनों को एब्जॉर्ब किया, अंदर उतारा, उसके बाद में जो हमारे लिए श्रेष्ठ है उस सेवा का भाव है। और इसीलिए अंतिम में जा करके अष्ट पहर की सेवा के विषय में हम आप सुनते हैं। तो सुंदर साहब जी, सारांश रूप में यही वीतक का सार है कि तीनों स्वरूपों की वीतक को जो श्रवण करते हैं, इनके अंदर के मन के विकार मैल आदि ये सब दूर हो जाते हैं और धाम धनी जी की ये वाणी उनके दिल में आकर के विराजमान होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसी वाणी के द्वारा आज हमने सुना, सब दफे होत बलाए, सारे जो विघ्न बाधा हैं ये सब दफे हो जाते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा के अनुसार होता है। श्रद्धा के अनुसार इस वाणी के मर्म को जिसने पहचाना, ग्रहण किया, उसके सामने ये माया टिक नहीं पाती है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति से अधिक ये माया की शक्ति नहीं है। सुंदर साहब जी, तो धाम धनी जी की इस वाणी, इस जोश, इस मेहर को, इस ईश्वर को हम अपने दिल में धारण करते हैं। और आज इस पूर्णाहुति के सुंदर अवसर के ऊपर श्री वीतक चर्चा के इस सार को हम आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं। इन तीनों स्वरूपों को हम शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। बोल बोल पंचे वाले की जय। अब प्यारे सुंदर साहब जी, अंतिम दो चौपाइयों को दोहरा करके श्री वीतक की चर्चा को यहाँ समापन करेंगे। स्वामी श्री लादा जी महाराज, जिनके ऊपर में ये आज्ञा हुई कि आप वीतक साहिब की रचना कीजिए, निरंतर एक महीने तक दिन भर आपने श्री वीतक साहिब की चौपाइयों को लिखा एवं उसके पश्चात रात्रिकालीन चर्चा के अंदर आपने सब सुंदर सांत को इनके प्रसंग सुना करके लाभान्वित किया। यूं करते करते श्रावण वदी अष्टमी के दिन पर स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने इस वीतक साहिब की रचना को समापन किया। और इसीलिए जो उनके दिल का भाव है, ये दिल का भाव अब यहाँ प्रकट होता है। सुंदर साहब जी, जब हम धाम धनी जी की सेवा करते हैं तो इस सेवा के बाद में क्या कोई भी प्रकार की कमी रह जाती है? क्या हम ये कहें कि धाम धनी जी हमें लेने नहीं आएंगे? ये तो उन्हीं का जिम्मा है कि धाम धनी जी हमें अवश्य लेने के लिए आएंगे। इसी प्रकार से धनी श्री प्राणनाथ जी के आदेश का पालन करती हुई जो आस बाई सखी हैं, वे इस समय धाम धनी जी के श्री चरणों लगती हैं।
आस बाई इन समय लागत है चरणा, श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न होय के मना, प्रसन्न होय के मना। बोलिए श्री प्राण प्यारे की जय, धाम के रही की जय। श्री महामती गए सैयन को इस सेवा की सब साथ, इहा ती खड़े रहे जाके धरिए पकड़े हाथ, जाके धरिए पकड़े हाथ। बोले श्री प्राण प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की जय। लाल दास जी महाराज की जय। सुंदर साहब जी अपने स्थान पे विराजिए, जब आपको रुमाल चढ़ाने की सूचना दी जाएगी आप तभी चढ़ाएं। अभी प्रधान जी अपना भाव रखेंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रचिता सखी जी, परम श्रद्धे आदरणीय सुंदर साहब जी, बच्चों की बातें सुन के तो मैं भी भूल गया कि मुझे बोलना क्या था जो मैं घर से सुन के आया था। कार्यक्रम की कुछ औपचारिकताएं होती है, समय जरूर लग सकता है। मेरी कोशिश रहेगी, मेरा आज तक का सोचना हमेशा यही रहा है कि अगर मैं एक मिनट फालतू बोलता हूँ तो यहाँ बैठे 200 सुंदर साथ का 200 मिनट खराब हो गया। कम बोलकर ज़्यादा बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कार्यक्रम की सूचनाएं भी आपको देनी है। समय कितने जल्दी और कैसे बीतता है, इस बात का आवाज हमें लगता है कि भीतर अभी कल ही शुरू हुई थी और आज समाप्ति के पड़ाव पर आ गई। रचिता सखी जी, माया नगरी अंधेरी बॉम्बे की आप रहने वाली हैं। हायर एजुकेशन लेने के बावजूद भी आपने धर्म के प्रचार का जो बीड़ा उठाया, वो सुंदर साहब जी हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। आप जिस दिन से जयपुर आए उस दिन से रोज सुबह मंगल आरती में, शाम को आरती में, रात्रि शयन आरती में, दिन में बच्चों को सिखाना, रात्रि को चर्चनी का कार्यक्रम आपने रखना और उसके बाद सुंदर साहब के घरों में पधरामली भी करना, बहुत ही प्रेरणा लेने लायक बातें हैं। आपने इस पूरे बीतक महायज्ञ में सेवा पर जोर दिया,
आपने कहा कि सेवा किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से धर्म की आप सेवा करें। राजी आपके भाव को समझते हैं, जानते हैं। आपने ज्ञानमयी संगीतमयी गीता सुनाकर सुंदर साथ से जो इतने कम समय में अपने आत्मीय संबंध जयपुर सुंदर साथ के साथ बनाए, जैसा भी रीता जी ने अपना भाव भी प्रकट किया, हमने एक विचार हमारे मन में भी आया था, क्योंकि तो कार्यक्रम हमारा 12 तारीख को शुरू होना है सितंबर में और आज 29 अगस्त हो चुकी, कल जन्माष्टमी तक 31 हो जाएगी। 10-11 दिन के लिए आप क्यों बॉम्बे जाना चाह रही हैं? आप जयपुर में ही अपना निवास रख के कार्यक्रम करें, जिससे जयपुर का सुंदर साथ मंदिर में बराबर आता जाता रहे। लेकिन आपने अपने कार्यक्रम की व्यवस्था और अपना कार्य बताते हुए आपने ये जरूर कहा कि मैं 11 तारीख की रात को एक बार फिर जयपुर सुंदर साथ के बीच में पहुंचूंगी। आपने ये बताया कि गीतक सुनने से मन के विकार दूर होते हैं, गीतक हमारी आत्मा के संबंध धामधनी से जोड़ने का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। सुंदर साहब जी इस पूरे समय के अंदर एक बात मैं भूल गया, जो सबसे बड़ी प्रेरणा देने लायक जो बात थी, जैसा आपने भी कहा कि मैंने बहुत छोटी उम्र में ये संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन को धर्म के लिए देना चाहती हूँ। मेरी रात को आपके पिताश्री से बातचीत हुई, आपके पिताजी भी यहाँ आए हुए हैं, अगर यहाँ हैं तो आपका प्रणाम स्वीकार करें। सुंदर साहब जी आपसे रात को मेरी बातचीत हुई कि आपने अपनी पुत्री को क्यों सपोर्ट किया या क्यों रोका नहीं। आपने ये बताया कि जब 12 वर्ष की आपकी आयु थी, जब से आप इस कार्य में लगी हुई हैं, आपने अपनी पुत्री का विचार जब जाना, आपकी क्या रचिता ने कहा कि मुझे कृष्ण नाम दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ा प्रेरणादायक कार्य रचिता जी से बड़ा भी अगर किसी ने किया तो वो है आपके माता पिता। जैसा मैंने पहले ही बार कहा था कि संतानें 3-4 हो तो एक संतान अगर धर्म के कार्य पर चली जाए तो शायद इंसान कंप्रोमाइज कर लेता है या वो सहन भी कर लेता है, लेकिन आपकी इकलौती संतान होने के बावजूद भी आपने धर्म के कार्य में सुंदर साथ को आपने अपनी पुत्री को दिया। इससे बड़ी प्रेरणादायक बात हमारे पूरे समाज में या कहें हमारे लिए इससे बड़ी प्रेरणादायक कोई बात नहीं। आप 30 दिन का जो पड़ाव जयपुर में रहा, जाने अनजाने में मेरे से
मेरे पंचायत के किसी सदस्य से। या किसी सुंदर सास से कोई गलती हुई हो तो मैं उन सब की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ। सुंदर सास जी, हमारे प्रणामी पंचायत के वाइस प्रेसिडेंट श्री कमल जी का दो दिन पहले मैरिज एनिवर्सरी, 31 साल आपने अपने सांसारिक जीवन, वैवाहिक जीवन के सुखद संपूर्ण किए, बच गए 100 में से जितने भी, वो भी जल्दी पूरे करेंगे। तो दीपिका जी और कमल जी, आप यहाँ पधारें, आप आशीर्वाद दें। कमल जी, हाँ प्यारे सुंदर साहब जी, जैसा हम आप सभी को अवगत है, ये मैरिज एनिवर्सरी तो इनकी है जिसका बेहद खुशी का अवसर है 31 साल पूरे करना, लेकिन इससे भी बड़ा कि मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि श्री राज्य की मेहर से आप दोनों दंपति को यहाँ श्री लाला जी महाराज के आसन में विराजमान होकर के आशीर्वचन देने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सुंदर साहब जी आपके और मेरे बीच का संजोग जो हुआ वो भाई कमल चिलाना जी, इनके प्रति मैं इतना आभार जो भी दिल से व्यक्त करूं वो कम ही लगता है। मैं जहां जहां सुंदर सार के घरों में गई, सभी सुंदर सार जी ने भी इसी प्रकार का आभार भाई जी के लिए और पिता बहन जी के लिए व्यक्त किया, क्योंकि हमने आज जो आनंद लिया है गत एक महीने के अंदर, ये सब भाई जी ने काफी कुछ हमारे लिए अरेंज किया। पंचायत से मेरा मिलान कराने वाले भी भाई जी हैं और तदुपरांत मैं सभी पंचायत के मेंबर्स का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो सुंदरसार जी की जय, हम सभी इनको शुभकामना देते हैं। श्री प्राणा जी, भाई जी, महाराणी जी का आशीर्वाद आप दोनों के ऊपर सदैव बना रहे, परिवार के ऊपर में बना रहे। बोलिए श्री प्राणा प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री बाईजुराज महाराज की जय। दूसरे मैं जिस पंचायत के सदस्य का नाम लेने जा रहा हूँ, जन्मदिन एक बहाना है। आप मानसरोवर के सुंदर साथ हैं, पंचायत के सदस्य हैं, लेकिन सदस्य बनना तो बहुत बड़ी बात है, हम रिश्तेदारियों के बल पर बन सकते हैं। सदस्य बनकर सदस्य का निर्वाह करना, अपने पद के साथ पूरी जिम्मेदारी करना, ये बहुत बड़ी बात है। जब से मानसरोवर का निर्माण का कार्य चला, तब से आप लगातार मानसरोवर का निर्माण का कार्य देख रहे हैं। जो सबसे बड़ी खूबी मैं कहूँ वो ये है, हर समय धन वहां पर पहुंचा पाना, कई बार इमरजेंसीज भी होती है कि पेमेंट करने की, लेकिन आपने उन इमरजेंसीज में अपने जेब से पेमेंट किया, चाहे वो बाद में पंचायत ने जरूर आपको पेमेंट किया, लेकिन आपने एक भी दिन काम को रुकने नहीं दिया और ये चिंता नहीं की कि पैसा कब और किस समय आएगा। सुंदर साहब जी, सही मायने में मैं अगर सेवा कहूँ तो ये बहुत बड़ी सेवा है,
मैं विनोद रे जी से भी आपको आमंत्रित करता हूँ कि हमारे आपका जन्मदिन था जिसमें कमल जी की एनिवर्सरी थी। सभी सुंदर साथ की ओर से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हम विरोष विनोद जी को देते हैं। नीलम जी भी यहाँ है, नीलम जी भी आ गए। श्री प्राणनाथ जी और बाईजू महाराणी जी का आशीर्वाद सदैव आपके जीवन में बना रहे और हमेशा उनके श्री चरणों की सेवा आप करते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बैजराज महारानी की जय। सुंदर साहब जी, ये यज्ञ 30 दिनों तक चला। ये यज्ञ आप लोगों के सहयोग के बिना, सुंदर साहब के सहयोग के बिना पूरा होना असंभव है। श्रीमती शिवानी सुखीजा जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार तक कथा में साथ में बैठकर चुपैया बनने का आपने कार्य किया, प्रणामी पंचायत की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आपको भी आशीर्वाद राज्य का। सुंदरसा जी, शिवानी जी भले मुझसे पहली बार मिली लेकिन ये बहन से कुछ कम नहीं है, सखी से कुछ कम नहीं है। इस प्रकार का आदर भी करती हैं, प्रेम भी करती हैं और सभी सुंदरसा की सेवा इन्होंने अच्छी प्रकार से करी, इसलिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए श्री बैजराज महाराज। श्रीमती चंचल, आप रोजाना सुबह रोक रोक से आप आकर आपके द्वारा पीटक को लाइव टेलीकास्ट किया गया, आपका भी प्रणामी पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं प्रणामी पंचायत के उन सदस्यों के नाम सभी का एक साथ धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप सभी सदस्य के आपके जिम्मेदारी थी, आपने जिम्मेदारी ली, इसलिए मैं किसी का भी नाम नहीं लेता, जिन्होंने इस सारे यज्ञ में चाहे भोग बनाने का कार्य किया हो, चाहे व्यवस्था करने का कार्य किया हो, या किसी भी सुंदर साथ में किसी भी प्रकार का भी कार्य किया हो, उन सबका भी पंचायत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री बैजराज। सुंदर साथ जी ये मेरी दूसरी सखी हैं और बहुत प्रेम करती हैं सभी सुंदर साथ से। मीडिया की खूब भारी सेवा इनके द्वारा हुई, श्री राज जी इनके ऊपर की खूब खूब मेहर करें, कृपा करें। सुंदर साथ जी, अब मैं आ रहा हूँ 12, 13, 14 सितंबर के होने वाले कार्यक्रम की तरफ। पिछले 3 वर्षों से जब से ये कार्य शुरू हुआ, हर सुंदर साथ ने दिल खोलकर तन मन धन से हमें सहयोग किया। सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, क्योंकि 3 वर्ष का कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल है, बहुत लोगों की लंबी लिस्ट है। जब हमारे पास गोल्ड चढ़ना शुरू हुआ तभी 400-425 ग्राम गोल्ड था, किसी का 2 ग्राम, किसी का 4 ग्राम, किसी का 6 ग्राम। अगर मैं नाम पढ़ना शुरू करूं तो शायद आज शाम के 5 बज जाए, क्योंकि इसलिए अब सिर्फ मैं उन्हीं लोगों के नाम ले रहा हूं, क्योंकि पिछले 4 संडे से जिन्होंने इन 7 दिनों के अंदर यानी कि पिछले सोमवार से आज तक जिन्होंने मुझे
अपने सहयोग की राशि पहुंचाई। उन सब सुंदर साहब के मैं नाम अनाउंस कर पा रहा हूं। उन सब से मैं क्षमा चाहूंगा कि जिनके मैं नाम पहले नहीं अनाउंस कर पाया, क्योंकि कोई भी सुंदर साहब मन में ऐसी धारणा ना लाए कि मेरा नाम नहीं बोला गया। जिन्होंने भी सेवा दी, राज्य के चरणों में लग गई, आपने भाव से दी, राज्य आपके भाव को समझ गया। सबसे पहले मैं आपको 5 सितंबर को होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताता हूँ। सुंदर साहब जी 5 सितंबर को गुरु नानकपुरा का सुंदर साहब बेदी जी मंदिर से 5 कलश के साथ हनुमान ढाबे पर 7:15 बजे एकत्रित होंगे। गाते बजाते हम लोग हनुमान ढाबे पहुंचेंगे गुरु नानकपुरा का सुंदर साहब। जहानगर का सुंदर साहब 7:15 उनको पहुंचना है, तो वो 6:30 के आसपास अपने घरों से निकलेंगे और वो भी हनुमान ढाबे पे 7:15 पहुंचेंगे। ठीक इसी तरह प्राणनाथ मंदिर से भी 5 कलश 7:15 बजे हनुमान ढाबे पर पहुंचेंगे। वहां से सभी एक साथ एकत्रित होकर हम मंदिर पधारेंगे और उसके बाद शुद्धिकरण कहें या झीलना कहें उसका कार्य शुरू होगा। उसके बाद मंदिर में जूते चप्पल का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा और उसके बाद ही नाश्ते का कार्यक्रम भी होगा। ये 5 तारीख का एक छोटा सा कार्यक्रम है, नया कार्यक्रम है। अलग अलग दिशाओं से हम एक जगह आकर संगम करेंगे, चाहे कहें हम तीनों पुलियों का संगम, चाहे कहें हम तीनों नदियों का संगम। यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके बाद 12 तारीख से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसकी सूचना मैं 2-3 बार पहले भी दे चुका। 12 तारीख की सुबह 7:30 बजे यहाँ से राज्य की सवारी मंदिर के लिए रवाना होगी। वार छत्र साल पार्क मेन रोड से होती हुई ध्वजारोहण पे सवारी हमारे साथ ही होगी। पहली बार आज से पहले ध्वजारोहण पे कभी सवारी हमारे साथ नहीं होगी, राज्य की सवारी भी साथ ही होगी। ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। ध्वजारोहण के बाद हमारे गुरुजन अंदर राजी पधराने के लिए मंदिर में प्रवेश करेंगे। सुंदर साथ नहीं जाएंगे, सुंदर साथ नाश्ते के लिए जाएंगे और राजी पधराने के बाद सभी नाश्ता कर लेने के बाद लगभग 10 बजे के आसपास पधरावनी का कार्यक्रम शुरू होगा। 8 पारायण रखे जा रहे हैं और साथ ही पधरावनी के बाद पारायण रखे जाएंगे। 8 पारायणों में इस बार पारायणों की जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। पारायण पढ़ने के तरीकों में भी कुछ थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। टेक्नोलॉजी के हिसाब से कंप्यूटर को ना पढ़े हम। पहले पारायण जब घरों में रखे जाते थे या मंदिर में रखे जाते थे तो बहुत मुश्किल से 3रे दिन की सुबह पारायण पूरा होता था और 3रे दिन की सुबह भी स्थिति ये होती थी कि भागना पड़ता था। लेकिन आज स्थिति ये होती है कि 2रे दिन की सुबह 11 बजे पारायण ही समाप्त हो जाता है। हम कितनी तेजी से पढ़ लें, कितना ही हमको याद हो, अगर भाव से पढ़ना है तो मैं समझता हूँ 3 दिन भी कम है। और अगर एक फॉर्मेलिटीज को करना है पूरा कि हमें तो भाई पारायण पूरे करना है, जल्दी जल्दी पूरा करना है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास 3 दिन का समय है। सभी के चरणों में मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि पारायण 3रे दिन सुबह ही पूरे हो, आराम से पढ़े, तसल्ली से पढ़े और पूरे भाव के साथ पढ़े। कई बार होता है कि हम कहते हैं कि 5 बार निरसा कर पढ़ेंगे, 5 बार निर्जाम पढ़ेंगे, कई बार हमें 1 बार पढ़ने के बाद भी यहाँ से जयकारा लग जाता है। चाहे आप 1 बार ही पढ़िए लेकिन उसके पीछे पूरे भाव हों। आप मंत्रों का उच्चारण करें, स्पष्ट करें। माइक पे खड़ा होने वाला व्यक्ति, मैं बोल रहा हूँ और सागर जो मेयर का दूसरा, उसके पीछे आगे ही शुरू हो जाता है और वो आधे में होता तो मैं उससे आगे निकलता हूँ। मेरी आवाज़ माइक पर रहनी चाहिए। तो ये जब मैं जवाहरनगर मंदिर में गोष्ठी करता था तो मैंने कई बार समय नोट करने की कोशिश की। अगर हम राजधानी की स्पीड से मेयर सागर पढ़ते
9 मिनट में पूरा होता है। और अगर हम आराम से शब्दों के उच्चारण के साथ करें तो 15 मिनट का समय लगता है। तो जरूरी नहीं कि 5 बार पढ़े, 1 बार पढ़े, भाव से पढ़े। तीसरे दिन की सुबह ही 12 पूरे हो ऐसा ही प्रयास करें। भाव से पढ़े, धीरे धीरे पढ़े, कोई जल्दी ना करें। 13 तारीख की सुबह तारतम जो जिसे यहाँ राज्य के चरण पादुका रखी है, सुबह श्री मुखवाणी की चर्चा होगी, मंदिर में गुरुजनों का प्रवचन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद स्मारक का उद्घाटन होगा। स्मारक में भी लगभग 11 लाख रुपए की लागत लगी है। लेखराज जी कालड़ा परिवार की तरफ से कुछ अंश उसमें पंचायत का भी है। उसका उद्घाटन 13 तारीख की सुबह होगा और उसके बाद लंगर प्रसादी होगी। 13 तारीख की रात को इस बार जो मंच, क्योंकि हम बाहर नहीं लगा पा रहे कोरोना के चक्कर में, क्योंकि परमिशन अगर हम लेने जाते हैं तो परमिशन मिलती नहीं है, और अगर हम परमिशन ना मिले और फिर हमारे को कार्यक्रम रोकना पड़ जाए तो इसलिए हम ऐसे किसी भी स्थिति में नहीं जाना चाह रहे। सारे कार्यक्रम मंदिर के अंदर ही करने का हम प्रयास करेंगे, बाकी समय के साथ परिवर्तित भी हो सकता है। मंच का कार्यक्रम समय के अनुसार 8 बजे शुरू होगा और 10 बजे समाप्त होगा। 8 से 10 2 घंटे का ही समय होगा, उसमें गुरुजन भी होंगे, हमारे जयपुर के जो भजन गाने वाले भी होंगे और भी हर्षद भाई जिन्होंने पहले से ही 6 महीने पहले ही टिकट बुक कराई थी जब हमने कार्यक्रम अनाउंस किया था, आप भी इस कार्यक्रम में शिरकत लेंगे। 14 तारीख की सुबह को पारायणों की पूर्णावती होगी और राधा अष्टमी का कार्यक्रम होगा और यहाँ पर पद्मावती का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, जीवन बहुत बड़ा, कह लीजिए कि 100 वर्ष की आयु है। हर समय में उत्सव महोत्सव हमारे जीवन में बहुत आएंगे, कोई कमी नहीं। हर वर्ष जयंतियां, जन्माष्टमियां, ये हर वर्ष आएंगी एक नियम के मुताबिक, लेकिन पंद्रहवीं जीवन में एक ही बार आएगी। अब अगर 60 साल की उम्र में 1960 या 1955 जो भी समय था, उस समय के जो सुंदर साथ यहाँ पर हैं उनके जीवन में, या मैं कहूँ कि मेरे जीवन का भी अब 55वां वर्ष शुरू है, तो ये शायद ये जीवन में दोबारा मुझे भी मौका नहीं मिलेगा। सभी सुंदर साथ अपनी बहन बेटियों को बुला लें क्योंकि ये मौका फिर जीवन में नहीं मिलना। एक बात जो गुरुजनों ने मुझ तक पहुंचाई है, कोरोना का समय है, हम हमारी संख्या अधिक होगी, जयपुर सुंदर साथियों की एकजुट एक साथ रहता है। हम सभी आज तो मैंने भी नहीं मास्क लगा रखा, मैं कहूँ कि मास्क लगा के आए, लेकिन 12 तारीख की सुबह और 13 तारीख की सुबह विशेष रूप से आप मास्क लगा कर रखें, क्योंकि जगह छोटी है और सुंदर साथ ज़्यादा है और हर सुंदर साथ की इच्छा होगी कि हम राज्य के सामने जब पर्दा खुले हम सामने हों। तो कम से कम 12 और 13 को, बाकी तो आपकी इच्छा है, लगा के रखेंगे तो आप ही का फायदा होगा। 12 और 13 को अवश्य, क्योंकि स्मारक भी बहुत छोटा है, आप मास्क लगा कर रखें, नहीं 14 को भी लगाएं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन 12-13 तो विशेष रूप से मैं आपको कह रहा हूँ। सुंदर साह जी, अब जिन सुंदर साह ने सेवाएं दी हैं मुझे इस हफ्ते के अंदर, मैं उनके नाम बढ़ूंगा,
सबसे पहले एक दो बच्चे हैं छोटे, जिनका नाम है विशाल ग्रोवर और उनके भाई की बेटियां हैं बेबी का मिस्टी और कविता अविता। सुंदर साहब जी, बच्चियां दोनों बहुत छोटी हैं। आपने अपने जीवन में जितना भी बचत किया आपने बचपन से लेकर आज तक, संस्कार राजी ने आपके परिवार में उपजे, परिवार से आप हमारे बच्चों में आए, क्योंकि इतिहास को अगर हम पढ़ें या शास्त्रों को अगर हम पढ़ें तो संस्कार माता पिता से बच्चों में आते हैं। इन दोनों बच्चों ने जितनी भी अपनी बचत की वो अपनी बचत इस कार्यक्रम में 12, 13, 14 होने वाले कार्यक्रम में मंदिर को दी है। मैं इन दोनों बच्चों को यहाँ बुलाकर सम्मान तो कैसे करूँ, मुझे भी समझ नहीं आता कि इतने छोटे बच्चों के मन में ये विचार आया कैसे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री भाई जुराज महाराज। आज बच्चों का दिन है। सुंदर साहब जी, एक हमारी बेटी नॉन प्रणामी फैमिलीज में उसका विवाह हुआ है, उसने नाम अनाउंस करने के लिए मना किया है। 25,000 रुपया ग्रुप प्रणामी पंचायत के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं और 2 बार पहले भी वो गुप्त रूप से ट्रांसफर कर चुकी है। उसका प्रणामी पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के बारे में एक सूचना और, 13 तारीख की रात को हम एक नाटक का जो मंचन करने जा रहे हैं, इस नाटक के तहत सुंदर साहब जी ये वो राशि है जो बच्चों ने गुल्लक से आई है। कान्हा प्यारे की जय। 13 तारीख की रात को हम उस नाटक के जरिए ये बताएंगे कि मंदिर 55 से लेकर 2021 तक कैसे पहुंचा, किन परिस्थितियों में कैसे मंदिर बना और उस समय के जो करेक्टर्स थे यानी कि श्री गोपालचंद जी तनेजा, ठाकुरदास जी पुराना, मलकराज जी चिलाना और भी कटारिया और भी जो सुंदर साहब उस समय थे, उन करेक्टर्स के जरिए हम उस नाटिका में प्रस्तुत करेंगे कि मंदिर बना कैसे। श्री सुरेंद्र कुमार जी माना ने 12, 13, 14 जितनी भी लंगर की सेवा बनाने की होगी वो आपकी तरफ से निःशुल्क रहेगी। आपका पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओ श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक फैन की सेवा श्रीमती प्रेम गिलोत्रा परिवार की ओर से, एक फैन की सेवा धामवासी विनय खुराना के बच्चे श्रिया और उनके लिए है। राहुल मदान शंकर समोसे वाले ने भी एक फैन की सेवा दी है। एक फैन की सेवा श्रीमती रूपल तनेजा, 11,000 रुपये की सेवा श्री ब्रजेश ज्योति चिलाना की तरफ से, 11,000 रुपये की सेवा दीपक सुखीजा सराव श्री सुखदेव राजी सुखीजा की तरफ से, 11,000 रुपये श्री इंदर राजी तनेजा की तरफ से, 11,000 रुपये धामवासी हंसराज जी आहूजा काशीपुर वालों की याद में उनके सपुत्र रमेश आहूजा की तरफ से, 21,000 रुपया कुमारी पुनीता प्रणामी
सनाब श्री मदन लाल जी जलाहा आप बाहर रहते हैं मुझे आपकी आपने विदेश से 21,000 रुपया ट्रांसफर किया है खाते में पंचायत के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपये श्री रेणु राजेश मदान सिरसा से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य के सिंहासन के पास दो हाथी मार्बल के हैं जिनका कीमत 36,000 रुपये श्री मुकेश कुमार जी सुखीजा ने किसी सुंदर साथ को मोटिवेट करके हमें 36,000 रुपये की सेवा दिलवाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से पारायण बॉम्बे के सुंदर साथ ने 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के नाम से 21 पारायण दिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साहब जी मंदिर के अंदर परिक्रमा के अंदर दोनों तरफ कृष्ण राधा कृष्ण की लीलाएं निज मंदिर के अंदर की जो परिक्रमा है उसके ऊपर दोनों तरफ कृष्ण जी की लीलाएं राधा कृष्ण की लीलाएं लगनी है जो कलकत्ता से बनकर कल नहीं तो परसों आ जाएंगी हमारे पास और कारीगर भी साथ आके लगाएंगे। सेवा गुप्त है सेवा गुप्त जरूर है लेकिन इसके पीछे मोटिवेट करने का कोई ना कोई कारण बनता है या कोई ना कोई सुंदर साथ बनता है। भव्या चिलाना जो अशोक चिलाना जी के सपुत्र हैं आपने सारा डिजाइनिंग का काम किया कंप्यूटर से डिजाइन कलकत्ता से कारीगरों से कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करने के बाद हमारे पास ये सेवा पहुंची जो सेवा में जो राधा कृष्ण की जो झांकियां हैं उनकी लागत 2,00,000 रुपए है 1,20,000 रुपये की आपने हमें गुप्त राशि उस सेवा में दिलवाई है और 80,000 रुपये का जो बैलेंस अमाउंट है उसे प्रणामी पंचायत पेमेंट करेगी। इस तरह से 2,00,000 रुपए की राधा कृष्ण के ऊपर जो है लीला लगेगी। कई बार हम सोचते हैं कि कार्य बहुत ही जब हम परिक्रमा में 8 मेहराब जो बने हुए अंदर उन 8 मेहराबों में भी हम महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीलाएं जैसे किलकिला नदी में आपका पैर रखते हुए महाराज छत्रसाल जी को तलवार देते हुए या हफ्सा में जो वाणी उतरी जेल के अंदर ऐसे दृश्यों को हम जो अंदर की जो परिक्रमा है उसके मेहराबों के अंदर दर्शाएंगे। ये जितने भी दृश्य हैं पहले से बने हुए नहीं हैं लेकिन उनको क्रिएट करना पड़ रहा है और इनको क्रिएट करने के पीछे सोच लगती है और समय लगता है और साथ में पैसा भी लगता है। श्रीमती रीतिका मदान इस कार्य को कर रही है पिछले 15 दिनों से लगातार रोज 5 से 6 घंटा क्योंकि यहाँ से रोज को आपको MI रोड जाना पड़ता है वहां पर इन चीजों का कार्य चल रहा है जो आगे जाके परिक्रमा में ये आपको देखने को मिलेगी। एक सुंदर साथ का मैं नाम लेने से भूल गया क्राफ्ट सेंटर की बहू नाम मेरे दिमाग से उतर रहा है राम श्रीमती रमन हर वर्ष जब भी हम आपको अभी तक का जो मंच सजाने के लिए आपको बोलते हैं आपने कभी भी मना नहीं किया सिर्फ
एक बार कहने के बावजूद आपने उस कार्य को नहीं संकोच, या तो एक बार बंदा कहता है कि साहब मुझे टाइम नहीं, मैं देखूंगा करूंगा, क्योंकि वो भी रक्षाबंधन के समय में बिजी होती है और हमारा भी रक्षाबंधन के समय में ही कार्य शुरू होता है। पिछले 3-4 वर्षों से जब से हमने इस तरह से लगाने का कार्य शुरू किया है, आपकी सेवा हमें मिलती रही है। राजी आपको इतना आशीर्वाद है कि आप हर वर्ष इसी तरह से आप सेवा करती रहें। एक फ्रेंड की सेवा अर्चित भल्ला आपने दी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेवा का अनाउंसमेंट मेरे पास और भी आया है, लेकिन उसको नहीं करूँगा क्योंकि वो उचित नहीं है, उनसे अभी वो लेना है। हमें 11 जारी बोले सुंदरसाल जी, 12, 13, 14 को होने वाला त्यौहार हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जयंती पर तो हम घरों में लाइट लगाते हैं। इस वर्ष छत्रसाल प्रणामी नवोत्सवा की इच्छा है और हमारी भी इच्छा है। ये दिन बड़े दिन के रूप में मनाए, 12, 13, 14 को लाइट की व्यवस्था छत्रसाल प्रणामी नवोत्सवा के द्वारा आपके घरों तक की जाएगी, जिसका शुल्क 250 रुपए है। जो भी सुंदरसाल घरों में लाइट लगवाना चाहे, पहले क्या होता था कि प्राणनाथ जयंती पे हम सभी के घरों में भेज देते थे, कोई सुंदर साथ लाइट लगवाता था तो नहीं लगवाता था, या फिर लगवा कर उसको पैसे नहीं मिलते थे तो वो परेशान होता है लाइट वाला। इसलिए इस बार आप 250 रुपये की सेवा छत्रसाल प्रणामी नवोत्सवा को दें, वो आपके घरों तक लाइट लगाने की व्यवस्था करेगी, चाहे आप मानसरोवर में भी रहते हो, आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें, हम व्यवस्था पूरी करेंगे। अब एक विशेष अनुरोध प्रणामी पंचायत की तरफ से, 12, 13, 14 को गुरुजन मंदिर आते आएंगे इस कार्यक्रम में। हर सुंदर साहब की इच्छा होती है कि गुरुजनों के घर में पधरावनी होनी भी चाहिए, बहुत समय मिलेगा 12, 13, 14 के अलावा, क्योंकि जीवन में बहुत समय हमारे पास। आप सभी सुंदर साथ के चरण कमलों में पंचायत का निवेदन है, ये मेरा पर्सनल लेने, इस बार 12, 13, 14 को गुरुजनों को घरों में पधरावने के लिए जबरदस्ती ना करें, क्योंकि गुरुजन आपकी बात को अस्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि सुंदर साहब की भावनाओं को गुरुजन शिरोधार्य मानते हैं। लेकिन पंचायत की ओर से आप सभी के चरण कमलों में निवेदन है कि 12, 13, 14 को आप गुरुजनों को कार्यक्रम समाप्ति के बाद आप ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12, 13, 14 सभी गुरुजन मंदिर में ही रहें, सभी सुंदर साथ उनका आशीर्वाद ले सकें, उनका लाभ ले सकें, ये मेरी आपके चरणों में विनती है। अब मैं प्रणामी पंचायत की तरफ से रचिता जी का, प्रणामी पंचायत के सभी मेंबर, छत्रसाल नगरसभा के सभी सदस्य आदरणीय सोनल बाबू जी, श्रवण कुमार जी, आप भी आ जाए। प्रणामी पंचायत की ओर से हम जो सम्मान हमें करना है, इसके बाद सुंदर साहब जी जो रुमाल चढ़ाने हैं, आप रुमाल भी चढ़ा सकते हैं।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री महाराजा चंद्र साल की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब जी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वो गंगानगर वाली सूचना ऐसा तो देखो पंगा की हां जो राज श्यामा राज श्यामा बजो राज श्यामा राज श्यामा वो है अपने धनी की राज श्यामा राज श्यामा सुंदर साहब जी रचिता जी की माता जी एवं उनके पिताजी की आप बता रहे पिताजी तो मिलाओ सुंदर साहब जी इसके पास गुणावती होगी और उसके बाद फिर आप आरती भाव अपना पहले आरती पहले आरती आइए सर आपको भी माता जी तो सब जानते हैं आइए हमने तो अभी देखे वो आपके मसाले मैंने दिए नहीं सर सुंदरनाथ जी ये पंचायत वाले सम्मान कर रहे हैं उसके बाद जिनका भी भाव है रुमाल चढ़ाने का आप आज पंक्ति पद होकर रुमाल चढ़ा दीजिए ताकि आगे एक कार्यक्रम पूजन कर सकते हैं लेडीज इधर जेंट्स इधर अच्छा पीछे करो सुंदर साहब जी गत एक महीने से जो आनंद लिया इन सभी का श्रेय श्री प्रणामी पंचायत जयपुर के आप सभी उनको चला लेंगे जो सदस्य हैं एवं श्री छत्रशाल जी नवयुवक मंडल के सभी सदस्य आपको जाता है इसीलिए एक स्मृति चिन्ह के रूप में परम आदरणीय गुरुदेव और मेरी जो छवि बनी हुई है ये आप सभी को एक स्मृति चिन्ह के रूप में मैं देना चाहती हूँ तो पंचायत के मेंबर्स प्लीज आगे आए और इस शिल्प को लें बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय परम आदरणीय सोनलाल पाऊ जी मैं आपको भी सादर आमंत्रित करूं एवं श्री श्रवण कुमार जी की जिनके सामने ऐसे बड़े बुजुर्गों के सामने यहां पर पीतक साहिब की चर्चा कर पाना ये आपके आशीर्वाद के बिना सुलभ नहीं हो सका इसलिए आपको तहे दिल से प्रणाम बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की सुंदर साहब जी रुमाल का
एक विशेष सूचना जो शारदा बहन जी श्री गंगानगर से हम आप सभी के लिए भेजी है। परमहंस ब्रह्मलीन वाणी विशारद श्री 108 महाराज जी जबरदास जी इनकी 42वीं स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में एक सुंदर सा आयोजन किया जा रहा है गंगानगर के अंदर, जो तारीख 7 से 9 सितंबर तक है। आप सभी को अवगत होगा ही कि इसमें 4200 पारायण की सेवा, 1.25 करोड़ लेशनाम महामंत्र का जाप, 1.25 करोड़ श्री राज श्यामा जी का जाप, ये सब कुछ किया गया है। और श्री महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज जी के कर कमलों के द्वारा इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति की जाएगी। एवं यहाँ आप सभी सुंदर साथ जी श्री सचिन आहूजा जी जयपुर से, राधा कृष्णा एंड पार्टी फजिलका से आए हुए सुंदर साथ सभी को आमंत्रण दिया गया है, तो आप सब सुंदर साथ जी सप्रेम इस आमंत्रण को स्वीकार करें। एवं ऑनलाइन माध्यमों से यदि सुनना चाहें तो परम आदरणीय बहन विदुषी श्री शारदा बहन जी के फेसबुक आईडी पर ये कार्यक्रम लाइव भी दिखाया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और सुंदर साथ जी यहाँ पर मुझे एक ही मिनट और चाहिए, जहाँ आप सभी सुंदर साथ का सहयोग मिला। सर्वप्रथम परमादरणीय सोहनलाल बाबू जी, श्री श्रवण कुमार बाबू जी, इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। एवं प्रणामी पंचायत जयपुर नवीबक मंडल तथा यहाँ पर जो लाइव मीडिया के द्वारा प्रसारण कर रहे हैं, ऐसे बहन चंचल जी, आलोक जी जो रिकॉर्डिंग की सेवा में उपस्थित रहे, एवं सबसे मुख्य जो संगीतज्ञ बंधु जितेश भाई, अजय भाई आदि, आप सभी सुंदर साथ जी, भाई सचिन आहूजा जी, जिन्होंने समय समय में आकर के हम आपको लाभान्वित किया, आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। एवं सबसे मुख्य जो यहाँ पर जिन्होंने मुझे सपोर्ट दे करके रात दिन चाहे कोई भी प्रकार की सेवा हो, बस उन्हें मैं एक कॉल करूँ या उन्हें एक आवाज लगाऊँ, ऐसी मेरी परम प्रिय सखी श्री विनोद बत्रा जी, इनको मैं तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही सहयोग किया सुंदर साथ जी। एवं नीलम जी तनेजा, शिवानी बहन जी जो मेरे साथ में बैठ कर के बीतक चर्चा को यहाँ पर आरंभ करती हैं, कुसुम बहन जी तनेजा एवं राजेंद्र जी तनेजा, आपने भी बड़ी भारी सेवा दी। एवं विजय भाई और सुदेश भाई कि जिनके द्वारा फुलहार की सेवा पूर्ण महीने तक होती रही, विनीता बहन जी एवं अनिल प्रणामी जी, आज आप सब सुंदर साथ जी एक यहाँ छोटा सा गिफ्ट जो है जिसके अंदर परम आदरणीय गुरुदेव का नाम लिख करके प्रिंट करके तैयार किया गया है अनिल भाई की ओर से, धामवासी श्री जगत किशोर जी प्रणाम की ओर से परम आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में आपकी सेवा है, इसके लिए तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एवं अंजू बहन जी, रीटा भगत जी एवं मीनू बहन, सलोनी बहन जी और अशोक बहन जी, आप सभी सुंदर साथ जी और ऐसी सारी माताएं बहने मेरे भाई जिन्होंने सहयोग किया, मैं एक एक का नाम तो यहाँ पर ले नहीं सकती हूँ, लेकिन जितना हो सके जितना मैंने याद किया आप सभी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ से जैसे कि बेबी जी के मंदिर में भी एवं रियाड़ा गोमटी में जाकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ये सुंदर कार्यक्रम हुए जिसके द्वारा जयपुर की यह यात्रा बहुत अधिक भी सफल हो गई, जैसे सोने में सुगंध मिल जाती है, तो इनका भी तहे दिल से आभार है। जन कल्याण ट्रस्ट एवं जवाहर नगर मंदिर ट्रस्ट, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर सां जी, यहाँ अभी अभी हमने प्रधान जी के मुख से सुना कि निज मंदिर की काफी सेवाएं जो सुंदर साथ ने दी है, मेरे दिल में एक भाव आया, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन ये भाव बड़ा सुंदर है कि जब हमारे स्वयं के घर में श्री राजी महाराज पधारे हैं, तो ऐसे निज मंदिर को सजाने की, ऐसे निज मंदिर में सेवा देने की, जो यदि हमारे पास ये अवसर आया है तो ये बार बार तो आ नहीं सकता है,
आप जयपुर के सभी सुंदर साथ पूरे जग के अंदर प्रख्यात हैं, क्योंकि जहां कहीं कोई फंक्शन होना है तो जयपुर सुंदर साथ का इसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में योगदान होता है। लेकिन साथ जी, जब हमारे ही निज मंदिर की ये सारी सेवाएं हमें करनी है, क्योंकि हमारे घर में जब श्री राजी महाराज पधारे हैं तो आपकी सेवा करने का सबसे पहला फर्ज जयपुर सुंदर साथ का है। तो इसीलिए आप सभी सुंदर साथ जी से यही भाव में प्रकट करना चाहती हूँ कि निज मंदिर की सेवा हो, चाहे मंदिर में किसी भी प्रकार की सेवा हो, खुले दिल से जब हम यहाँ पर सेवाओं को अर्पण करते हैं तो साथ जी कभी भी हमारे खजाने में कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपने दिया नहीं है, आपने अर्पण किया है। और ये जो अर्पण करने का भाव है वो श्री राजी महाराज आपके दिल में देते हैं। सिर्फ देखने भर के लिए आप देंगे, लेकिन वास्तविक सेवा धाम धनी जी आपको शोभा दे रहे हैं। तो ऐसी शोभा को हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जितना हो सके खुले दिल से तन मन धन के द्वारा हम ये सारी सेवाओं को अर्पण करें। और यही कहते हुए मैं मेरे दो शब्दों को विराम देती हूँ। फिर एक बार आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारे सुंदर साथ जी, बड़ा आनंद हुआ पूरे महीने के अंदर आप सभी के दर्शन करके। प्रणाम जी। बहन विनोद बत्रा जी, अपने भाव दो मिनट के लिए रखना चाह रही है। आइए। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मैंने कभी फेसबुक पे रचिता सखी जी को देखा तो मेरे को ऐसे लगा किस किस को सुनूं, मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और मैंने अवॉइड कर दिया। तो जब इन्होंने यहाँ पे आना था, कमल भैया प्रधान जी, इन्होंने मुझे बोला कि बहन जी आपने इनके साथ रहना है, और रचिता जी का फोन भी आया, मेरे को लगा ये तो खुद ही मेरे से बात कर रही हैं। वो कहती हैं दिल अपना दे उनका लीजिए, मैंने तो दिया नहीं, उन्होंने खुद ही मुझे अपना दिल दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते ना प्यासा कुएं के पास आता है, मतलब प्यासा कुएं के पास आता है, यहाँ तो कुआं ही पूरा आ गया। मैं तो वैसे पानी बहुत कम पीती हूँ लेकिन मैंने बहुत भर भर पिया है। मैंने इनको अपनी बिटिया के रूप में देखा है, मुझे ऐसे लगा कि ये मेरी खुद की ही बिटिया है। बहुत ही इन्होंने मुझे प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहन विनोद बत्रा जी को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ऐसे ही भाई कोमल जी, जिन्होंने रसोई सेवा के अंदर, प्रसाद वितरण की सेवा के अंदर विशेष रूप से ध्यान दिया, इसलिए आपका विशेष आभार। और जन्मदिन के दिन पर भी जन्मदिन के अवसर के ऊपर भी आपने बहुत सेवा में योगदान दिया, इसलिए तहे दिल से आप सबका आभार। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथी, मेरे भाई लोग आ जाइए, नमाज चढ़ाइए जल्दी से, उसके आगे फिर आगे का कार्यक्रम। नहीं उनके पास है, आप इधर आ जाओ अंकल, आप इधर आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड दो है रुमाल। अरे तो ये इधर चढ़ा देंगे ना, दो हाँ इधर आ जाओ, इधर आओ। आंटी एक मिनट आओ, एक आगे आ जाओ, अंकल सुंदर साहब जी, जो भी रुमाल की सेवा में अपना भाव देना चाहें, इधर हमारी किरण बहन जी बैठे हैं, कमलेश बहन जी, इनको आप दे सकते हैं, जैसा सुंदर साहब सर्वस्व देता है दे दीजिए। I'm not going to be able to do that.
अरे